हेलो बच्चों, कैसे हो? नीट इको टेस्ट सीरीज में, फिजिक्स की जो इको टेस्ट सीरीज में, इसमें आपका स्वागत है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों आज अपन जो इसका टेस्ट जो 5 हुआ है, फिफ्थ माइनर जो इसमें फिफ्थ टेस्ट आपका हुआ है, इस फिफ्थ टेस्ट के अंदर हम आज हीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर बच्चों काफी कॉन्सेप्चुअल बनाया गया है जो नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इसमें कई छोटी छोटी चीजें भी ऐसी देखेंगे जहाँ पे आप जनरली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन का मेन मकसद ये है कि आपके पास एक तो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जाए और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे होती हैं वो मिस्टेक्स आगे से ना हो। ठीक है, इस चीज के लिए हमने साथ साथ इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। तो चलो करें स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है कॉन्सेप्चुअल। ध्यान दें कि अगर आपसे टेम्परेचर इंक्रीज ऑन सेल्सियस स्केल इज 1 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर इंक्रीज ऑन केल्विन स्केल विल बी। तो बच्चों देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट ना गर्म करें, जैसे हम देखें बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें, आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वलेंट होता है बेटा? ये होता है 273 केल्विन के इक्वल, होता नहीं होता 273 केल्विन। और फिर हम देखें यहाँ पे, ये हमने कर दिया इसको 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कितना हो गया 274 केल्विन। तो यहाँ से बेटा देखो आपने इंक्रीज कितना किया है, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे आप देखिए इंक्रीमेंट कितना बच्चों 1 केल्विन, 1 केल्विन इंक्रीमेंट। तो ये तो आपसे पूछा 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है, 1 केल्विन के, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे इसके अंदर? फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अपन चेक कर सकते हैं क्या जाएगा इसका रिजल्ट, फर्स्ट। ओके, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। जनरली मिस्टेक क्या करते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं 1 केल्विन मतलब सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, ये आ जाएगा रिजल्ट 274। जल्दीबाजी मिस्टेक ही करते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन टिपिकल नहीं आता बेटा अपने नीट के एग्जाम में। ठीक है, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन थर्मोमीटर का है। ठीक है, थर्मोमीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, व्हेन प्रेशर रीडिंग इज 60 देन टेम्परेचर इज। तो बच्चों देखो जो टेम्परेचर स्केल है, आप जानते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में। ठीक है, कोई सा भी टेम्परेचर स्केल हो, चाहे प्रेशर टेम्परेचर स्केल हो, चाहे वॉल्यूम टेम्परेचर स्केल हो, चाहे रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट या फिर ये केल्विन का हो या सेल्सियस, कोई सा भी टेम्परेचर स्केल हो, सबके लिए अपन देखते हैं ये जो वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स हंड्रेड माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है फॉर ईच स्केल, कोई सा भी स्केल हो। ठीक है, यहाँ पे 2 स्केल यूज कर रहा है, एक तो बच्चों प्रेशर स्केल, ठीक है, जिसमें 50 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर की ये वैल्यूज दे रखी है, और एक यहाँ पे सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री 100 डिग्री की बात कर रहा है, तो चलो वैल्यू पुट करें, यहाँ पुट करें वैल्यू। देखिए बच्चों यहाँ पे हम पहले प्रेशर की बात करें, तो बच्चों प्रेशर एक्स तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी एक्स हमें गिवन है, कितना गिवन है 60, एक्स तो हमें यहाँ पे 60 गिवन है। ठीक है, माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या होता है बच्चों? प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों आपको? 50 गिवन है, रख दो 50 अपॉन में एक्स 100 मींस प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस प्रेशर आपको 90 गिवन है, 90, फिर माइनस एक्स नॉट मींस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 50 है। ठीक है, इज इक्वल टू अब हमें यहां पे लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स को फाइंड करना है, मतलब टी आपको फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए। ठीक है, एक्स को टी रख दिया, एक्स नॉट तो खैर 0 दे रखा है आपको। ठीक है, फिर एक्स 100 मतलब 100 माइनस 0, ये 0, ये सारी डिग्री सेल्सियस स्केल की वैल्यू है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो उसको, तो ऊपर तो कितना बेटा 10 और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इज इक्वल टू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं 0 कैंसिल, 100 को लेंगे तो टी इज इक्वल टू 100/5, टी इज इक्वल टू 100/5 करिए कितना है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा आंसर आ गया इसका? फर्स्ट। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरह अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटी चीज समझे। देखिए, 2 सॉलिड स्फीयर्स द सेम मटेरियल हैव द सेम रेडियस बट वन इज होलो व्हाइल अदर इज सॉलिड, मींस 2 ठोस गोले आपको दे रखे हैं, 2 स्फीयर्स गिवन है, एक तो होलो है और एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, आपसे क्या दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो किस में यहाँ पे एक्सपेंशन अधिक होगा, किस में प्रसार अधिक होगा बच्चों? देखिए एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला आता है अपन जानते हैं, ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी नॉट गामा टी, टी बोल लो या डेल्टा टी बोल लो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट इज इक्वल टू
मतलब इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन 4/3 πr³। अब देखिए बच्चों, होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, गामा nt। अब जो यहां पे को गामा, गामा तो क्या है यहां पे, इसका यहां पे जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर एक्सपेंशन की बात करें, वॉल्यूम एक्सपेंशन की, ये तो फिक्स है क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है, समान पदार्थ बोल दिया ना इसमें, सेम मटेरियल, तो गामा सेम हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस भी सेम है, गामा भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सेम टेंपरेचर गर्म कर रहे हैं, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, सेम, ठीक है, इज इक्वल टू सेम ऑब्टेन, ठीक है, ये वैल्यू सेम ऑब्टेन होगी, क्यों, क्योंकि सारी चीजें सेम दे रखी है, इसलिए क्या आएगा आंसर, दोनों में समान प्रसार होगा, मींस एक्सपेंशन इज सेम फॉर बोथ, ठीक है, इस तरह अपन समझ सकते हैं इसको, क्लियर। चलो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन अगर बच्चों, एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग such that pt square is equal to constant, the coefficient of volume expansion of the gas is, ठीक है, अब यहां बच्चों इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, पूछा क्या है वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, बट यहां पे इक्वेशन तो प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर दे रखी है, तो उसको पहले हमें वॉल्यूम वर्सेस टेंपरेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे बेटा, देखो आपको क्या गिवन है, pt square is equal to constant गिवन है, तो इसको हम किस फॉर्म में लेके आए बच्चों, वॉल्यूम के फॉर्म में, कैसे लेके आएंगे, प्रेशर को रख दो, जो आप जानते हो गैस इक्वेशन क्या होती है, pv is equal to mu rt, ठीक है, तो यहां पे जाएगा म्यू आर टी अपॉन वी, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, अब यहां से देखो, देखिए टी पावर कितना बन रहा है, 3, टी पावर 3, ठीक है, और वी को चाहो उधर ले आओ, तो टी पावर 3 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, वी, टी पावर 3 प्रोपोर्शनल टू वी, अब यहां पे बोथ साइड कर दें हम, डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको पावर फ्रंट में आएगी, 3 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, क्लियर। अब यहां पे देखिए डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, ये जो है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था आपको मैंने, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट कितना बनेगा, गामा इनटू टी, क्यों लिखा था अपने, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा टी, ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट क्या हो जाएगा, गामा इनटू टी, टी मतलब क्या था, टेम्परेचर इंक्रीमेंट, स्मॉल टी जो लिखा था टेम्परेचर इंक्रीमेंट को शो कर रहा था, ताप में वृद्धि को, जिसको यहाँ पे हम डेल्टा टी लिख रहे हैं, क्योंकि ताप में वृद्धि यहाँ पे डेल्टा टी, डेल्टा टी लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि टी एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीमेंट ही है, स्मॉल टी जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है उसको यहाँ पे हम डेल्टा टी से दर्शा रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी लिखा मैंने। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड करना बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर दो, क्या निकालना है, गामा निकालना है, तो गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 3/T0, तो कौन सा ऑप्शन है, 3/T के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा, क्योंकि यार टी नॉट एंड वी नॉट मैंने क्या लिया, इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज को अपन टी नॉट वी नॉट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल टी है, तो टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 3/T0, ठीक है, इस तरह अपन ये फाइंड करते हैं क्वेश्चन। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्या कह रहा बच्चों, टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड टू एल एंड रेडियस आर एंड टू आर रेस्पेक्टिवली आर हीटेड एट सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो बच्चों यहाँ भी हम वॉल्यूम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखें, जो डेल्टा वी इज इक्वल टू लिखा था अपन ने वी नॉट गामा टी, ठीक है, टी यहाँ पे वही डेल्टा टी मतलब इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर को शो कर रहा है, और जो वॉल्यूम, अब यहाँ पे हमें लेंथ, रॉड की लेंथ एंड रेडियस गिवन है, ठीक है, रेड रॉड की लेंथ एंड रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखते हैं, ए इंटू एल, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम एक सिलेंड्रिकल रॉड है, पाई आर स्क्वायर एल लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, गामा टी। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा वी की जो डिपेंडेंसी है क्या रही, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर एल, ओके आर स्क्वायर एल, तो यहां से हमसे वही रेशियो पूछा इसमें, तो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू निकालेंगे, तो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू निकालें, तो आर वन अपॉन आर टू करेंगे, तो आर वन अपॉन आर टू कितना है, टू आर अपॉन आर, ठीक है, टू आर अपॉन आर होल स्क्वायर, इन टू करेंगे एल वन अपॉन एल टू, तो एल अपॉन टू एल, एल अपॉन टू एल, ठीक है, तो कट जाएगा, क्या जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे देखिए आर से आर कैंसिल, स्क्वायर करेंगे यहाँ फोर आएगा, और यहाँ पे टू, तो फोर अपॉन टू कितना होता है, टू मतलब 2/1, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 2/1 के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, ठीक है, 2/1, ठीक है, इस तरह अपन ने ये सॉल्व कर लिया। ये पूछा अपन से रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए टू बी, तो पहले अपन ने ए वाली वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू, ये ए ले लो, ये बी एक तरह से, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 2/1, ओके। चलो अब देखे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, देखिए अ बीकर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 4°C। अब जो देखो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, आपसे कहा छोटी बातें बताऊंगा आपको, अच्छी अच्छी बातें, वाटर की प्रॉपर्टी, पानी जो होता है बच्चों, उसका 4°C पे इसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है, मतलब डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है,
यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है, मतलब वॉल्यूम सबसे स्मॉलेस्ट होता है इसका 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब जो इसका टेम्परेचर, मतलब यूँ कह रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे अगर अपन बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें वाटर के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, ठीक है। ये कौन सी पोजिशन है, 4 डिग्री सेल्सियस, और जो 4 डिग्री सेल्सियस है, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपने यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर को पूरा भर रखा है, ठीक है, पात्र को पूरा भर रखा है। अब क्या होगा, उससे फिर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करें, दोनों ही केस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा और पानी बाहर गिरेगा, ठीक है। पानी बाहर गिरेगा तो उसका रीजन आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है, चाहे टेम्परेचर अपन उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों ही केस में वाटर बाहर गिरेगा, इसलिए क्या होगा आंसर इसका, थर्ड, ठीक है। मिस टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करें, इफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज देन वॉल्यूम, ठीक है, विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वाटर के लिए ग्राफ बनाया अपने, ये ग्राफ कितना बच्चों, फॉर वाटर, ठीक है। तो ये छोटी चीज आप याद रखें, तो वाटर के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, तो अपन ये देगा, क्लियर। चलो अब देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए बच्चों। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का हमें रिजल्टेंट टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों मान लो सपोज रिजल्टेंट टेम्परेचर है टी, स्मॉल टी जो हमें फाइंड करना है, तो देखिए अब दो ऑब्जेक्ट को मिला रहे हैं आपस में, टू ऑब्जेक्ट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने में देख रहे हैं बाहर से कोई हीट दे नहीं रहे, ठीक है, जो यहाँ पे हॉट वाटर है, ठीक है, वो हीट रिजेक्ट करेगा और जहाँ पे आइस है वो हीट को अब्सॉर्ब करेगी, मतलब दोनों एक दूसरे को हीट का केवल क्या करेंगे, एक तरह से एक्सचेंज करेंगे हीट को, ठीक है। बाहर से हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे, ठीक है, तो डेल क्यू नेट कितना यहाँ पे 0 है, यहाँ कहते हैं डी क्यू नेट, बाहर से हम कोई हीट नहीं दे रहे, डी क्यू नेट कितना बच्चों 0, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू आइस प्लस डी क्यू वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू अपन कर रहे हैं 0, ठीक है। हाई आइस जो है वो तो हीट को अब्सॉर्ब कर रही है एंड वाटर यहाँ पे हीट को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो डी क्यू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट लास्ट टेम्परेचर इज टी, ठीक है, लेट टेम्परेचर इज टी लेके चल रहे हैं, लेट टेम्परेचर इज टी, लेट फाइनल टेम्परेचर इज टी, फाइनल टेम्परेचर इज टी, फाइनल टेम्परेचर अगर अपन टी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डी क्यू आइस, तो बच्चों आइस को हमें उस फाइनल टेम्परेचर टी पे लेके आना है, तो पहले आइस मेल्ट होगी, होगी नहीं होगी, उसके बाद वाटर बनेगी, वाटर के बाद फिर इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो पहले आइस के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ML, ठीक है, L कौन सा बच्चों, यहाँ पे मेल्ट हो रही है आइस, तो आइस L मेल्टिंग वाला लगाते हैं, ठीक, गलन वाली गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ML, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों अब आइस का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, MS dT इसका यूज करेंगे, ये तो हमने किसके लिए लिखा बच्चों, आइस के लिए, ठीक है। प्लस अब वाटर के लिए अपन देखें, वाटर का टेम्परेचर केवल डाउन होगा, ठीक है, वाटर का स्टेट तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि वाटर तो वाटर ही है, उसका टेम्परेचर डाउन होकर टी पे आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वाटर के लिए केवल MS dT का यूज करेंगे, MS dT इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे M, ये M किसका है, आइस का, और ये M किसका है, वाटर का M है। चलो रखें, इसमें से M कॉमन निकाल लो, ठीक है, अब चाहे इसमें से M कॉमन ले लें, आइस का मास कितना दे रखा है आपको, 10 ग्राम, ठीक है, ये लो 10 कॉमन निकाल लिया। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होती है बच्चों, यहाँ पे 80, ये लो 80 रख दिया, प्लस S वाटर, वाटर का S कितना, क्योंकि देखो ये पहले मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो S किसको शो कर रहा है, वाटर को शो कर रहा है, ये S किसका, वाटर का, ये भी S किसका है, वाटर का ही है, क्योंकि आइस पहले मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है टी तक, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर S का तो मैंने 1 पुट कर दिया, S की वैल्यू तो, ठीक है, और ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर स्मॉल टी तक राइज होगा, ठीक है, तो डी टी का जाएगा टी माइनस 0, डी टी का होता है चेंज इन टेम्परेचर प्लस। अब यहाँ बच्चों इसमें इसका मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, 100 ग्राम, इस एम को रख दो 100, ठीक है, 100 पुट कर दिया अपन ने, एस वाटर इज 1, अब डी टी चेंज इन टेम्परेचर हुई फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया टी, इनिशियल कितना था बच्चों यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 50 है, 50 ये लो, ठीक है। अब बच्चों इक्वल टू 0, अभी आप इसको सॉल्व करोगे, हमें क्या फाइंड करना, टी फाइंड करना है, कहां से निकाल लो, टी इक्वल टू ये बनेगा 420/11, यहाँ सॉल्व करेंगे 420/11 बनेगा, तो नियरली 38.2 बन जाएगा ये, 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 38.2 लिखा हुआ है, यह जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, 38.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, सारे क्वेश्चन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो नीट पैटर्न पर आते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज यूज टू कूल रेडिएट ऑफ इंजन बिकॉज। अब बच्चों वाटर का यूज अपन रेडिएटर की तरह क्यों करते हैं, क्यों बच्चों? वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा काफी ज्यादा होती है, जितने भी लिक्विड है उनमें लिक्विड में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो होती है स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है। इसका मतलब वाटर देरी से गर्म होता है और ठंडा भी देरी से होता है, क्योंकि अपने रेडिएटर के अंदर वाटर यूज किया हुआ है, तो अगर कोई लिक्विड अपने ऐसा फिल किया फटाफट गर्म हो जाए तो फिर फायदा क्या उसका, कूलेंट का फायदा ही नहीं है। तो कूलेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी अदर ऑब्जेक्ट को कूल भी करे और जल्दी गर्म भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए, और हाईएस्ट किसकी होती है बच्चों? वाटर की होती है। इसलिए हम क्या लिख करेंगे, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च मतलब हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर एट विच ऑल स्टेट्स ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मींस पानी की तीनों अवस्थाएं एक साथ विद्यमान हो सकती है, उस टाइम पर बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब सोचिए कि तीनों अवस्थाएं एक साथ कैसे हो सकती है, ठीक है। अपन देखें चलो जीरो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हो आइस एंड वाटर एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड वेपर एक साथ होते अपन जानते हैं, क्योंकि स्टेट कन्वर्जन होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड वेपर एक साथ स्टेट मिल सकती है गैस एंड लिक्विड फॉर्म में। ऐसे बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एक साथ रह सकती है। अब तीनों स्टेट एक साथ कैसे रह सकती है, थोड़ा उसको समझाऊं आपको मैं। देखिए यहाँ बच्चों अगर अपन प्रेशर को चेंज करें, समझ आ गया मैं, अगर अपन प्रेशर को चेंज, देखो प्रेशर, अब यहाँ बच्चों देखो 100 डिग्री सेल्सियस एंड जो 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं समझे बात को। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू अपन यूज करते हैं एट 1 एटीएम, तो जो 1 एटीएम प्रेशर पे क्या होता है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट अपन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू रटनी नहीं है, फिक्स नहीं है, ये वैल्यू किस बच्चों 1 एटीएम पर है, 1 एटीएम पर, ठीक है, 1 एटीएम पर ये वैल्यू होती है फॉर H2O, ठीक है। ये अपन देखते हैं H2O के लिए बच्चों ये वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों देखो यहां पर अगर अपन प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होती है, कैसे, देखिए अगर अपन प्रेशर को डिक्रीज करें, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, एंड बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ये होता है डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो इंक्रीज होता है स्लोली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है स्लोली, बट ये जो बॉइलिंग पॉइंट है रैपिडली डिक्रीज होता है, तेजी से इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, रैपिडली डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और प्रेशर बच्चों अगर हम बहुत कम कर दें, लगभग ओपन कर दें 0.0006 के समथिंग कर देंगे, बहुत ही कम कर दें, ठीक है, 0. या समथिंग, मतलब वेरी लो कर, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज होते होते और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते होते दोनों नियरली सेम रहते हैं और क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। और ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यहाँ पे ये होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर गए हैं, मतलब कॉन्साइड कर गए, ठीक है। मतलब अब इस पॉइंट पे वाटर की तीनों स्टेट्स एक साथ आ रही हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट एक साथ आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी, क्लियर। अब जो प्रेशर उससे और ज्यादा कम कर दें, सोचना क्या हुआ, प्रेशर उससे भी ज्यादा कम कर दें तो क्या होगा, आइस अब डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किसके अंदर बच्चों, वेपर में। देखिए जिसे अपन देखते हैं ना सब्लिमेशन वगैरह बात करते हैं, जब मतलब यहाँ पे दो अगर जो वाटर है, मतलब जो आइस है, सॉरी आइस को अगर अपन गर्म करें तो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, सीन ही किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में, ठीक है। कब, अगर इससे भी और लो टेम्परेचर लो प्रेशर कर दिया जाए तो अब उसके केस में यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड स्टेट आएगी नहीं, आइस को गर्म करने पर सीधा वो वेपर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये चीज अपन देखा, तो कहां से क्या टिक करेंगे इसका, 0.01 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो कितना होता है ये 273.16 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो केल्विन स्केल पे हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वैसे तो अपन न्यूमेरिकल में 273 केल्विन यूज करते हैं,
बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 273.15 होती है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बेटा एग्जैक्टली, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है एग्जैक्टली 273.15, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ही होती है वो तो न्यूमेरिकल में, ठीक है चलो 273 से काम चला लेते हैं अलग बात है, ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखें। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस इन एन ओपन वेसल बाय बॉइलिंग इट एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ, अभी जो आपको बात समझाई मैंने कि बच्चों अगर अपन इसे हाइट पे जाएंगे, देखिए क्या करें हाइट को अगर अपन इंक्रीज करेंगे, ठीक है हाइट इंक्रीज होगी बच्चों, तो हाइट इंक्रीज होने पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिग्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है जब अपन हिल स्टेशन ऊपर जाते हैं, ठीक है तो ऊपर जाने पर क्या होता है प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए मैं सांस लेने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है, और जो प्रेशर का डिक्रीज होगा तो अभी आपको समझाया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है अब आप मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, ठीक है लेट मान लो हो गया 97 डिग्री सेल्सियस हो गया, 97 डिग्री सेल्सियस का मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 97 रह गया, अब इसको ओपन वेसल में अगर आप राइस को कुक कर रहे हो, ये बच्चों एक ओपन वेसल है, इसके अंदर बच्चों राइस को अपन कुक कर रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो राइस है, ठीक है ये वाटर के अंदर अपन कुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मीन्स वाटर जो बॉइल हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ये वाटर बॉइल हो रहा है, ठीक है तो यहाँ पे ओनली 97 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, 97 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो अंदर जो राइस है ये राइस, ये आपको जो राइस दिख रहे हैं छोटे छोटे गोले गोले दिख रहे हैं ये राइस है, ठीक है राइस को टेम्परेचर कितना मिल रहा है 97, तो 97 पे ही बॉइल हो रहे हैं राइस ओनली 97, देखो राइस के सराउंडिंग में जो वाटर है राइट, राइस चावल है इसके आसपास जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है 97 डिग्री सेल्सियस, क्यों कितना भी इसको हीटअप कर लें कितना भी इसको हीटअप कर लें वाटर का टेम्परेचर 97 से अधिक बढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है तो जो राइस कुक हो रहे हैं कितने 97 डिग्री सेल्सियस पे कुक हो रहे हैं, ठीक है इसलिए इनको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए क्या जाएगा इसका, इसका रीजन क्योंकि अपने क्या देगा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या लो हो गया, यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो प्रेशर इसका रिजल्ट आ जाएगा ये, ठीक है तो जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया है इसलिए कुकिंग में यहाँ पे परेशानी हो रही होती है, ठीक है आई बस समझो। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, अ लेड बुलेट ऑफ 10 ग्राम ट्रेवलिंग एट 300 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब एक बुलेट है, ठीक है गोली है लगातार मूव कर रही है, ठीक है हाई स्पीड से और बुलेट से यहाँ पे एक ब्लॉक है उसे टकरा कर रुक जाती है, ठीक है तो आपसे कह रहा है इसके इसमें जो 50% जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है बुलेट के अंदर, मतलब बुलेट उसको अवशोषित कर रही है कितनी 50% काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है तो अब आपसे कह रहा है उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है, तो चो देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है समझे बात चो यहाँ पे कि जो 50% ऑफ के ही है 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें अपीयर हो रही है, मतलब बुलेट उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है क्यू एब्जॉर्ब, ठीक है अवशोषित हो रही है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे हम देखें 50% ऑफ के मतलब हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ओके अब ये किससे मिली हमें अवशोषित होकर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज के लिए अपन क्या लगाते हैं एम एस डी टी, तो अच्छा बता दूं आपको क्यू के दो फॉर्मूले होते हैं एक तो होता है एम एल और एक होता है एम एस डी टी, एम एल का यूज कब करते हैं बच्चों ड्यूरिंग स्टेट चेंज अवस्था परिवर्तन के दौरान हम एम एल का यूज करते हैं, ठीक है बट अगर अवस्था नहीं है तो स्टेट इसकी फिक्स है ओनली टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे एम एस डी टी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलेट का केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है ये मेल्ट नहीं हो रही है, ठीक है तो इसलिए क्या लगाएंगे एम एस डी टी का यूज करेंगे एम एस डी टी, ठीक है इसका यूज करेंगे एम एस डी टी का, अब यहाँ पे आप देखते हो इसमें एम से एम कट जाएगा, ठीक है हमें क्या फाइंड करना है डी टी की वैल्यू, ठीक है तो ये 1/4 वी स्क्वायर, वी कितना की मैंने आपको 300 का कर दो स्क्वायर, ठीक है अब यहाँ पे एस एस आपको दे रखा है कितना दिया 150 की मैंने एस की वैल्यू 150 और ये डी टी हमें फाइंड करना है तो यहाँ से निकालो डी टी ये तो कितना हो गया 9 यहाँ पे हो जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे इसके अंदर डिवाइड बाय 4 कर दें इज इक्वल टू 150 डी टी, ठीक है तो यहाँ से ये हमने एस की पुट कर दी, ठीक है यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा यहाँ से, अच्छा ओनली क्या पूछा है राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ओनली आपसे राइज इन टेम्परेचर की बात करना है, यहाँ से कैलकुलेट करके अभी क्या निकालना है डी टी की वैल्यू, ठीक है ऐसा अपन ने पुट कर दिया 150, ठीक है तो यहाँ से डी टी निकाले तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा कितना बनेगा ये पहले इसका हाफ करो 450, ठीक है 450 का और हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे इसके अंदर ये जाएगा 200, क्या मतलब यहाँ से सॉल्व कर लो तो डी टी इज इक्वल टू कितना आता है देखो डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ से मतलब डी टी के लिए फाइंड करेंगे यह जाएगा 150 के इक्वल 150,
ठीक है 150, ठीक है तो यहाँ पे 150 देखो कौन सा ऑप्शन है, तो बस 150 टिक कर दो, ठीक है आ जाएगा 150, यहाँ से 150 ये रहा थर्ड, ठीक है तो अपने का 11th का क्या आंसर, थर्ड आंसर आ गया। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, ठीक है हमें सीवी की ओर बतानी है, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है सीवी, क्या होता है बच्चों सीवी का फॉर्मूला, देखिए सीवी इज इक्वल टू आप जानते हैं ये होता है एफ आर बाई टू, पढ़ा होगा अपने बचपन में सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए एफ बाई टू की वैल्यू होती है 1/γ-1, किसकी वैल्यू एफ बाई टू वैल्यू, एफ बाई टू 1/γ-1 होता है रख दिया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये हो जाएगा R/γ-1, ठीक है। चलो आपको हिंट दूंगी कहाँ से आया एफ बाई टू इक्वल टू 1/γ-1, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ही सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ जो गामा एंड एफ में जो रिलेशन होता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1+2/F, गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1+2/F, ठीक है तो यहाँ से हम निकाले इसमें 2/F इज इक्वल टू, ठीक है तो यहाँ पे 1-γ हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, इन्वर्स कर देंगे तो एफ बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया 1/ एक मिनट यार 1-γ-1 होगा, क्या है γ-1 है, ठीक है γ-1 तो यहाँ पे 1/γ-1, तो यही तो मैंने किया है, झूठ थोड़ा बोला था आपसे मैं कि यहाँ पे एफ बाई टू कितना होता है 1/γ-1 ये पुट कर दिया, तो बस यार रिजल्ट क्या दिक्कत है इसके अंदर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा हूँ, 13 क्वेश्चन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे इज, मतलब जो जो जे अपन बात करते हैं ना जे यांत्रिक तुल्यांक जे, जे क्या होता है बच्चों यहाँ पे एक ओनली कन्वर्जिंग फैक्टर है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये केवल क्या बच्चों कन्वर्जिंग फैक्टर, जिसको हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जे इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, जे इज इक्वल टू 4.2 समथिंग, 4.2 क्या होता है 4.2, ठीक है जूल पर कैलोरी, ठीक है जूल पर कैलोरी, इसका मतलब 1 कैलोरी की वैल्यू मीन्स यहाँ पे बच्चों ये जो 1 कैलोरी है मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये होता है मीन्स इस जे का यूज किया जाता है केवल किस लिए किया जाता है बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर के लिए, रूपांतरण करने के लिए यूज किया जाता है, कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है थीके? तो क्या जाएगा इसका आंसर, ये जाएगा कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन 14, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 180 एम द टेंपरेचर, अब जो सिंपल से हीटिंग की बात कर रहा है, मतलब प्री टेंपरेचर अपन कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करें या कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करें तो पहले तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो पहले उसका टेम्परेचर राइज करेगा, फिर उसकी स्टेट कन्वर्जन आएगी, स्टेट कन्वर्जन, ठीक है उसके बाद फिर और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे तो फिर अब मतलब और ज्यादा हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो क्या आएगा ये आएगा पहले तो फिक्स स्टेट है फिर स्टेट कन्वर्जन फिर अगेन फिक्स स्टेट, ठीक है तो इस तरह अपन देखते हैं ये आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिगर शोज टू फ्लास्क कनेक्टेड टू ईच अदर, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क 1 इज ट्वाइस दैट वॉल्यूम 2 फिल्ड, अब चलो इसमें यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब इनके अंदर जो मासेज हैं उनके बारे में आपसे पूछा है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे मासेज फर्स्ट इस कंटेनर के अंदर मास कितना है एम ए गैस का, तो इसके अंदर मास कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, जो गैस इक्वेशन आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होती है, ठीक है उसी का हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है, ठीक है देखिए पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो म्यू को अपन क्या लिखते हैं एम अपॉन एम डब्ल्यू, म्यू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है तो एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी, योगी गैस इक्वेशन सब जानते हैं आप बचपन से ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे एम डब्ल्यू फिक्स है, एम डब्ल्यू फिक्स है, ठीक है आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है एंड प्रेशर तो दोनों यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है इसलिए प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी सेम, जितना प्रेशर इधर होगा उतना प्रेशर इधर होगा, ठीक है प्रेशर भी सेम है। तो अब यहाँ पे हम देखें हमें क्या फाइंड करना है मास के बारे में, तो टी को उधर ले जाओ तो मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, मास इज प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अब अपन यहाँ पे हमें एम टू अपॉन एम वन फाइंड करना है, तो एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा वी टू अपॉन वी वन इन टू टी वन अपॉन टी टू, ठीक है एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन इन टू टी वन अपॉन टी टू। अब वैल्यू पुट करें, चलो वी टू अपॉन वी वन तो सेकंड वाले का वॉल्यूम जो रखा है यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सेकंड वाले देखो क्या गिवन है यहाँ पे द मास ऑफ गैस, ठीक है
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्लासेस, मतलब फर्स्ट वाला वॉल्यूम डबल है ये, मतलब यहाँ पे वी टू अपॉन वी वन कितना है 1/2 दे रखा है ये, ठीक है, मतलब ये वाला वॉल्यूम डबल दे रखा है। टेम्परेचर हमें बच्चों यहाँ पे सेकंड वाले का टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है, मतलब टी टू वाला टेम्परेचर डबल है, तो ये 1/2, ठीक है, ये वैल्यू 100, ये 200 रख दो, यहाँ पे 100 और 200 1/2 बनेगा, तो कितना बेटा ये 1/4, तो 1/4, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, m2 = m1/4। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, m1/4 वाला, तो m1/4 टिक कर देंगे, तो कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 16, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस इज 44, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर विल बी। तो बच्चों देखिए इसके लिए हम गैस इक्वेशन यूज करें, ठीक है, तो गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो PV = μRT, ठीक है, PV = μRT, या कहते हैं m/mw RT, गैस इक्वेशन PV = m/mw RT इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा प्रेशर कितना गिवन है बच्चों आपको, आपको प्रेशर आपको गिवन है 2 atm, ठीक है, 2 atm मींस 2 × 10^5, 1 atm की वैल्यू आप जानते हैं 10^5 होती है, तो 2 atm क्या हो जाएगा, 2 × 10^5, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ठीक है, m यहाँ पे 2.2, ठीक है, mw की वैल्यू जो गैस कौन सी, 44 गिवन है मॉलिक्यूलर वेट 44, ठीक है, एंड बच्चों r की वैल्यू 8.31 होती है, ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब उसको केल्विन में चेंज करें कितना है, 273 केल्विन, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 273 केल्विन, ओके। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके वी फाइंड करना है, तो सॉल्व करके यहाँ से वी फाइंड करेंगे तो ये बनता है 0.56 × 10^-3 m³, ये आता है रिजल्ट। अब जो हमसे ऑप्शन यहाँ पे लीटर की फॉर्म में दे रखे हैं, और आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो 10^-3 m³ आ रहा है, ये किसको शो कर रहा है, 1 लीटर को, ठीक है, 1 liter = 10^-3 m³ होता है, तो क्या बन जाएगा ये 0.56 liter, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बच्चों, इसका फर्स्ट, ठीक है, इस तरह अपने का 16 का क्या आ गया बच्चों आंसर, फर्स्ट आ गया। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, इन द एक्सपेंशन फॉर बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट PV हैज अ डायमेंशन ऑफ, अब बच्चों P × V की बात कर रहा हूं, चलो P × V, सिंपल से P × V, P की अगर अपन यूनिट देखें तो P की यूनिट क्या होती है बच्चों, Newton per m², ठीक है, Newton per m², या चलो इसको ऐसा ना करके यूं देखते हैं इसको, इस तरह से देखिए P × V, तो अपन देखें बच्चों P, तो P यहाँ पे क्या है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम को रखते हैं अपन, वॉल्यूम क्या बच्चों, m³, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो कोई सिलेंड्रिकल पात्र है, कोई सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम को लिख देंगे, मान लो अपन लिख दिया area × length, लिखते हैं area × length, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखिए एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो force × length, ठीक है, force × length क्या बन जाएगा बच्चों, अपन जानते हैं ना वर्क डन, कार्य बराबर क्या होता है, force × displacement, तो एक किसको शो कर रहा है बच्चों, वर्क को, force × length की यूनिट क्या आएगी, वर्क के इक्वल आएगी, ठीक है, अब बच्चों वर्क अपन जानते हैं यहाँ पे जो वर्क है, ठीक है, वर्क एज ए एनर्जी, वर्क इज ए एनर्जी, ठीक है, मीन्स एनर्जी, वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी यूनिट भी जूल होती है, तो क्या टिक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या जाएगा, एनर्जी, क्योंकि ये फोर्स इंटू लेंथ के फॉर्म बन रहा है, ठीक है, मीन्स एनर्जी, ये अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है, 17 का थर्ड हो जाएगा। चलो उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस ट्रिपल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बोला इसने, देखो कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर अपन जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन फाइंड करें, देखो यहाँ पे हमने बच्चों ट्रिपल कर दिया है, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर भी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, देखो टेम्परेचर आपके वॉल्यूम ट्रिपल कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ट्रिपल, वॉल्यूम को हम ट्रिपल कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी ट्रिपल होगा, ठीक है, यहाँ पे T′ = हो जाएगा 3 times of T, ठीक है, टेम्परेचर इज T times of T, ठीक है, 3 times मतलब 273 का ट्रिपल करना है अपन को, 273 का ट्रिपल करेंगे, ये किस में आ जाएगा बच्चों, केल्विन की फॉर्म में, ठीक है, अब बच्चों उसमें इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 माइनस कर दो, तो 273 इसमें से माइनस कर देंगे,
तो 273 माइनस कर देने पे क्या बन जाएगा चाहिए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तो कितना होगा ये 546 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ गया, मतलब कौन सा 18 का फर्स्ट, ठीक है, तो इस पेपर ने कहा 18 का आंसर आ गया, फर्स्ट आ जाएगा। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इज पी एंड टी हैविंग वॉल्यूम वी फॉर ईच, दे आर मिक्स्ड कीपिंग द सेम वॉल्यूम, ठीक है, एंड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ मिक्सचर विल बी, और जो टू गैसेस को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मोलर कंजर्वेशन, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फिक्स रहेंगे, ठीक है, दो गैस को मिक्स करके किसी एक कंटेनर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ गैस, जो टोटल मोलर अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, मोलर मात्रा फिक्स रहेगी, तो हम देखें जो टोटल मोल्स है यहाँ पे म्यू, म्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, म्यू वन प्लस म्यू टू, ठीक है, टोटल मोलर मात्रा फिक्स रहेगी। अब बच्चों म्यू इज इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी, ठीक है, तो पीवी अपॉन आरटी करें तो यहाँ पे हमें नेट प्रेशर फाइंड करना है, पी नेट वॉल्यूम तो उसका वी बोला गया है, ठीक है, अपॉन आर टेम्परेचर टी, यही सही टी दिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी, ठीक है, प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी अपॉन में आर टेम्परेचर टी, ऐसे सेकंड वाले के लिए भी वही है सेम, पी वी अपॉन आर टी, तो बेटा आर टी आर टी तो घट जाएंगे सब जगह, वॉल्यूम को भी आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैंसिल, तो पी नेट इज इक्वल टू क्या हो गया 2P, तो P net is equal to क्या बन जाएगा बेटा twice of P, ये बन जाएगा result, तो twice of P कौन सा है, ये third इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह अपने टिक कर सकते हैं third answer को, clear? चलो अब देखें next question, देखिए question number 20, क्या बच्चों question number 20 देखिए, at NTP sample of equal volume of chlorine and oxygen is taken, now ratio of number of molecules is, अब बच्चों यहाँ पे number of molecules पूछा है, तो यहाँ पे जो गैस इक्वेशन यूज करेंगे उसमें कौन सी वाली यूज करनी है, n वाली, इसमें n यूज होता है, क्या होती है बच्चों गैस इक्वेशन, pv is equal to nkt, pv is equal to nkt गैस इक्वेशन, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे nkt, अब बच्चों यहाँ पे इसमें हमें को क्या फाइंड करना है, नंबर रेशियो की बात कर रहा है, अब गौर से किया एट NTP, NTP मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड प्रेशर कितना है 1 atm, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, ठीक है, प्रेशर भी यहाँ पे सेम है, ठीक है, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही सही, ठीक है, एंड इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इक्वल दे दिया, अरे बेटा सारी चीजें सेम आ गई यहाँ तो, ठीक है, तो सारी चीजें सेम हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों सेम, n इज इक्वल टू सेम, क्योंकि सारी चीजें फिक्स हो गई है, ये सारी जो वैल्यूज है ये सारी की सारी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, तो n की वैल्यू भी क्या आएगी सेम, ये ऑल वैल्यू फिक्स आपको दिख रही है फिक्स, ठीक है, तो n इज इक्वल टू सेम हो गया, तो जो गैस इक्वेशन यहाँ पे कौन सी यूज की अपन है NKT, ठीक है, तो कई फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपन गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो आपको चलो हिंट दूं गैस इक्वेशन क्या क्या होती है, देखिए PV is equal to mu RT, होती नहीं होती, इस म्यू को अपन क्या रखते हैं, PV is equal to mu RT, या इसको म्यू को अपन m upon fw लिख दें तो अपन m upon fw RT ये भी बोल सकते हैं, ये भी गैस इक्वेशन है, या म्यू को कभी कभी n upon na भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर na, n upon na RT ये भी लिखते हैं, ठीक है, और PV is equal to NKT ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको number of molecules की माने तो P बराबर NKT, क्योंकि यहाँ पे R upon NA K के इक्वल होता है, R upon NA जो अनुपात है रेशो किसके इक्वल होगा K के, ठीक है, तो इस तरह से और इसको जो हम ये लिखते हैं PV is equal to small क्या मतलब P is equal to small NKT, स्मॉल एन क्या बच्चों मॉलिकुलर डेंसिटी, यहाँ पे इस तरह अपन यूज कर सकते हैं, तो कई टाइप से गैस इक्वेशन को अपन यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जहां भी जैसी रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे टू रोड्स गिवन है, ठीक है, एक तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रोड है, ठीक है, और एक यहाँ पे स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इस तरह के रहते अब जो यहाँ पे दोनों तरफ टेम्परेचर सेम टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ए और बी पे, ठीक है, यहाँ पे सेम टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ जो हीट फ्लो होगी उसका रेशियो आपको फाइंड करना है, मतलब देखिए एक तो हीट इधर से होती जाएगी इधर से, ठीक है, इधर से मान लो, अच्छा पहले क्या बोला सर सेमी सर्कुलर रोड टू हीट ऑफ, मतलब यहाँ पे इस तरह इसमें क्यू वन हीट फ्लो हो रही है और इसमें से हीट जा रही है इसे क्यू टू हीट फ्लो हो रही है इधर से, तो हमसे क्या पूछा है क्यू वन अपॉन क्यू टू का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, क्यू वन अपॉन क्यू टू का रेशियो आप बता रहे हैं क्या होगा, तो चलो देखो यहाँ पे इधर टेम्परेचर और इधर टेम्परेचर डेल्टा टी सेम है, देखिए जो यहाँ पे क्यू की वैल्यू होती है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो यहाँ पे देखिए डी क्यू अपॉन डी टी से बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, ये क्या होती है डेल्टा टी अपॉन आर, डेल्टा टी अपॉन आर, ठीक है, ये आप जानते ही हैं डेल्टा टी अपॉन आर,
ठीक है, या इसको अपन ये कह सकते हैं के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे ऊष्मा की लेंथ, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, केवल लेंथ का, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, मेटेरियल वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सब कुछ सेम है। यहाँ पे हम देखें डी क्यू, डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वन अपॉन एल, ठीक है, डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एल, तो यहाँ पे इसको चलो डी क्यू बोल लेते हैं, डी क्यू डॉट डी क्यू टू है, इसका रेशियो फाइंड करना है, तो बेटा डी क्यू वन अपॉन डी क्यू टू अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये एल टू अपॉन एल वन, एल टू अपॉन एल वन, ठीक है, एल टू अपॉन एल वन। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ एल टू है, कितनी लेंथ है इसकी एल टू, इसकी लेंथ है टू आर के इक्वल, इसकी रेडियस आर मान लें अपन, तो ये पूरा एक व्यास दिख रहा है, डायमीटर, डायमीटर की लेंथ क्या होती है, क्या होती है डायमीटर लेंथ, टू आर के इक्वल रख दिया मैंने टू आर। और बच्चों ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब एक अर्धवलय दिख रही है, आधी परिधि, हाफ सर्कमफेरेंस क्या होती है बच्चों, पाई आर, ठीक, कंप्लीट परिधि होती है टू पाई आर, हाफ कितनी होती है पाई आर के इक्वल, यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, कितना है टू अपॉन पाई, तो कौन सा ऑप्शन है टू अपॉन पाई, ये रहा फर्स्ट आंसर जाएगा आपका टू अपॉन पाई, ठीक है, तो ऐसे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए इधर बच्चों, इन द रिलेशन एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, यहाँ पे एन क्या है, देखिए अभी आपको समझाया था मैंने, जो गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू आर टी, यहाँ से इसको उधर ले आए तो पी वी अपॉन आर टी, PV upon RT किसको शो कर रहा है, म्यू को, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कौन से बच्चे यहाँ पे, यहाँ पे इसमें यह आ जाएगा फोर्थ, मोलों की संख्या को शो कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गैस इक्वेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट अभी आपको फॉर्म बताई थी, सारी सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हीट के टॉपिक सॉल्व करने में मजे हैं, तो बेसिक चीजें सारी होनी चाहिए पता आपको, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चलो देखिए 23 आ गया बच्चों आपसे, यहाँ पे If molecular weight of two gases are m1 and m2, then the temperature ratio, ठीक है, temperature ratio of moon mean square velocity v1 v2 will be। अब जो RMS velocity की बात कर रहा है, RMS velocity आप जानते ही हैं, क्या होती है जो VRMS equal to root of 3 RT upon MW, पढ़ाई होगा आपने बचपन में ये root of 3 RT upon MW, तो यहाँ से हम देखें VRMS is proportional to क्या आएगा 1 upon root of MW, ठीक है, VRMS is proportional to 1 upon root of MW, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों, V1 upon V2 निकालना है, तो V1 upon V2 is equal to क्या जाएगा root of MW2 upon MW1, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया सेकंड, चलो सिंपल का क्वेश्चन है, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean free path of molecules of gas is inversely proportional to the, तो देखिए mean free path का जो formula आता है आपको पता होना चाहिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/√2πn d², ठीक है, डी यहाँ पे क्या है डायमीटर, डी यहाँ पे डायमीटर को शो कर रहा है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब व्यास को शो कर रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/d², ठीक है, या कहते हैं और डायमीटर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम देख लें लैम्डा मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के विद क्रमानुपाती है, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, देखिए लेट एंड बी द टू गैसेस गिवन टी ए अपॉन एम ए फोर टाइम्स ऑफ टी बी अपॉन एम बी, ठीक है, टी टेम्परेचर है, एम मॉलिकुलर वेट है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, आर एम एस स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, बिल्कुल वही प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे जो RMS स्पीड है, ठीक है, RMS स्पीड को C बोल दिया इसने, ठीक है, C के लें या RMS स्पीड के लें, VRMS बात एक ही है, तो यहाँ पे इसको C से शो कर रहा है ये, root of 3RT upon MW लिखा था अपन ने, root of 3RT upon MW, miss ये proportional to क्या है, T upon MW, ठीक है, तो यहाँ से हमें CA upon CB find करना है, क्या find करना बेटा, CA upon CB, तो is equal to, यहाँ से क्या जाएगा, ये जाएगा TA upon TB into एम बी अपॉन एम ए, ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करें, आपसे क्या बता रहा है उसमें, ये आपसे कह रहा है टी ए अपॉन एम ए, ये रहा टी ए अपॉन एम ए की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ टी बी अपॉन एम बी है, तो उसको 4 रख दिया, ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्ट 4 का रूट क्या होता है 2, तो कौन सा आंसर है बच्चों इसमें,
यहाँ पे यह जाएगा फर्स्ट आंसर सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू टू, ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज वी एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज सी, ठीक है। तो बच्चों वी टू सी रेशियो आपको बताना है क्या है, तो बच्चों यहाँ बताया था मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, तो बच्चों देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो उसमें गामा आता है यहाँ पे, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, जबकि आरएमएस स्पीड के अंदर यहाँ पे भी देखा था अपने थ्री आता है, थ्री आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। यहाँ पे गामा क्या बच्चों, एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, रुदोष्मनीयतांक, गामा क्या है, रुदोष्मनीयतांक, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे इसका रेशो पूछ रहा है वी टू सी, यहाँ से निकाल लें रेशो वी टू सी क्या आएगा, वी टू सी इज इक्वल टू, वी अपॉन सी इज इक्वल टू, डिवाइड करिए क्या आएगा, रूट ऑफ गामा अपॉन थ्री, क्या है बच्चों, रूट ऑफ गामा अपॉन थ्री, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर इसका, फोर्थ, क्लियर, इसका आंसर आएगा फोर्थ, ओके। कोई डाउट किसी को, नॉर्मल सी चीजें, बट आपसे बार बार कह रहा हूँ नीट में लेवल अब क्या दो तीन साल से अपन देख रहे हैं काफी डाउन हो चुका है, तो पेपर टिपिकल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जो नॉर्मल क्वेश्चन जनरली मेडिकल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पेपर बनाए सारे, ठीक है, इको के बिल्कुल नीट ओरिएंटेड, ठीक है। तो इन चीज को आप फॉलो करें ध्यान से और एक एक पेपर को ढंग से सोल्व करें, सारा सोल्यूशन एक ही चीज ढंग समझते हुए इसको अपन देखेंगे, ओके। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, देखिए द स्पीड ऑफ फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर फॉलोज 2, 3, 4, 5, 6 द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज, तो जो आरएमएस स्पीड पूछ रहा है, तो बच्चों देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, वी आर एम एस बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें इसका सबका पहले रूट क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पे इसका मीन निकालना है, स्क्वायर मीन उसका फिर रूट करेंगे कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे जितनी भी स्पीड है पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, डिवाइड बाय कितने मॉलिक्यूल्स है 5, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू फाइंड करने में रूट 18 बन जाएगा, ये रूट 18, और रूट 18 की वैल्यू होती है 4.24 के समथिंग, तो 4.24 ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा 4.24, ठीक है। तो इसे अपन सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करो, इफ वी एच वी एन एंड वी ओ डिनोट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी आर एम एस अपन ने कहा था फॉर्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, तो बच्चों टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे देखते हैं वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एम डब्ल्यू, मतलब जिसका एम डब्ल्यू सबसे कम होगा, ठीक है, मीन्स एम डब्ल्यू अगर इसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो उस केस में आर एम एस वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, लार्ज होगी, ठीक है। तो सबसे स्मॉल एम डब्ल्यू किसका होता है बच्चों, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एम डब्ल्यू सबसे कम होता है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी आर एम एस वेलोसिटी, इसलिए कौन सा आंसर टिक करेंगे, सेकेंड, ठीक है, वी हाइड्रोजन ग्रेटर देन वी नाइट्रोजन ग्रेटर देन वी ऑक्सीजन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन 29 अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अच्छा देखो डायटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी नंबर कोई भी मॉलिक्यूल से कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है रोटेट हो सकता है या एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है उसी नंबर्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मतलब कितने स्वतंत्र तरीकों से पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। तो उन सभी मोशंस को हम क्या बोलते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे देखिए ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के अंदर बच्चों एक तो लीनियर मोशन पॉसिबल है और यहाँ पे साथ में रोटेशन मोशन भी पॉसिबल है, ठीक है, मतलब लीनियर एंड रोटेशनल मोशन दोनों प्रेजेंट होते हैं, रोटेशनल मोशन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, तो लीनियर के लिए बच्चों कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल कितनी होती है यहाँ पे 2, ठीक है, 3 एंड 2 कितना बन जाएगा 5, इस तरह से ये 3 एंड बच्चों 2, तो टोटल कितनी होती है 3 + 2 = 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक गैस की, ठीक है। तो इस तरह बच्चों देखो हम देखें ये कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल किसके अंदर कौन कौन से मोशन पॉसिबल है, देखिए इसका जो लीनियर मोशन है तो एक्स वाई जेड किधर भी लीनियर मोशन कर सकता है, और रोटेशन मोशन बच्चों देखो एक तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड बच्चों यहाँ पे जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग,
अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज थे रोटेशन करेगा तो यहाँ पे इसमें रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल की साइज वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो इस तरह से एक्सिस पे ही एस एक्स एक्सिस अबाउट इस ऑक्सीलेट हो रहा है, तो मतलब रोटेशन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे टोटल जो रोटेशन एनर्जी है उसके लिए एक तो वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस रेस्पॉन्सिबल है, तो टोटल 3 + 2 कितना हो गया 5। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। उसके बाद देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्या क्या होता है 30 क्वेश्चन, एट 0 केल्विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0। तो चलो 0 केल्विन पे क्या होता है, देखिए टेम्परेचर अगर आपने 0 केल्विन कर दिया है तो चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखो अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में तो पोटेंशियल हमेशा 0 होती है, लेकिन अगर एक नॉर्मल गैस की बात करें तो नॉर्मल गैस में पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब यहां से कुछ बताया तो नहीं गैस कौन सी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक नॉर्मल जो गैस है, वास्तविक गैस बोलते हैं, जनरल गैस बोलते हैं, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती, ठीक है। अब बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी, आपने टेम्परेचर बच्चों देखो यहाँ पे अगर वी अपन देखें टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर 0 कर देंगे एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब वी आर एम एस कह लो क्या होगी 0। आर एम एस स्पीड कहते सारी स्पीड 0 रहती है, सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं 0 रहते हैं कंडीशन में, इससे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अब जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड प्रेशर भी यहाँ पे 0 आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रेशर को लगता है बच्चों जब भी मॉलिक्यूल यहाँ पे, इससे कोई दीवार है, वॉल है, ये इस वॉल पे कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे स्ट्राइक करता है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आता है इस तरह से, तो इस पे प्रेशर अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बट अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 गई है तो टकराएगा ही नहीं, कोई प्रेशर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी अगर 0 है तो प्रेशर भी 0 होगा, कोई प्रेशर एक्ट नहीं होगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑन वॉल दोनों ही यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। आई बस में चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन में अगर आपसे द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज 7/2R, ठीक है, और गामा आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालें बच्चों, पहले सीवी निकाल लें, यहाँ पे देखो हमें सीपी गिवन है, ये क्या गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है सीपी, ये आपको सीपी गिवन है, तो पहले सीवी निकालते हैं, अपन जानते हैं मेयर इक्वेशन होती है सीपी, सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर बनता है, ठीक है। अब सीपी हमें गिवन है 7R/2, इसमें से आर माइनस कर दो कितना गया ये 5R/2, ठीक है, तो ये मेयर इक्वेशन की हेल्प से अपने क्या निकाल लिया सीवी की वैल्यू। अब हमसे पूछा है गामा, ठीक है, क्या निकालना बच्चों, यहाँ पे रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट निकालना है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट हमें क्या फाइंड करना बच्चों, गामा, गामा की वैल्यू फाइंड करनी, तो गामा इज इक्वल टू पढ़ते हैं यहाँ बचपन में सीपी अपॉन सीवी, क्या होता है सीपी अपॉन सीवी होता, नहीं होता, तो सीपी अपॉन सीवी करिए, तो सीपी अपॉन सीवी करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा रिजल्ट 7/5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया थर्ड आ गया 7/5, ये अपन आ गया क्वेश्चन नंबर 31। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन 32 कह रहा है बच्चों 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस गामा गिवन है मिक्स विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ गामा मिक्सचर, इस गामा मिक्सचर की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी, ठीक है, तो गामा मिक्सचर आपको फाइंड करना है क्या होगा, चलो यहाँ पे 1 मोल आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए अपन जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों 3 होता है, स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, ठीक है, एंड बच्चों यहाँ पे डायटोमिक गैस के लिए एफ कितना होता है बच्चों यहाँ पे 5, ठीक है, और दोनों के 1 मोल दे रखे, इसका भी 1 मोल है और इसका भी अपन ने 1 मोल यूज किया है, तो पहले यहाँ पे एफ मिक्सचर निकाल लें, एफ मिक्सचर निकालेंगे कैसे निकालेंगे μ1F1 + μ2F2 / μ1 + μ2, तो 1 × 3 + 1 × 5 / 1 + 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जो 5 × 3 = 8/2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो एफ मिक्सचर तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है गामा मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/F मिक्सचर, ठीक है, ये लगा दें तो 1 + 2/F मिक्सचर की वैल्यू कितनी आई 4, मतलब 1 + 1/2, तो बेटा 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है, तो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑन कोलाइडिंग इन क्लोज कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल्स, तो चलो जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल्स की दीवार से टकराते हैं तो चलो क्या आते हैं इस तरह से, देखिए ये कोई दीवार है यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव करते आ रहे हैं, ये कोई मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा है विद स्पीड वी, मास एम है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों स्ट्राइक करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है, मास तो खैर वही रहेगा बट इसकी डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी माइनस वी,
तो यहाँ पे जो मोमेंटम जो ट्रांसफर हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे संवेग स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा पी निकाल लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है, माइनस एम वी, माइनस एम वी, ठीक है, और इसमें से माइनस एम वी है, उसमें से एम वी माइनस करना है आपको, माइनस एम वी माइनस ऑफ एम वी, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस ऑफ टू एम वी, इतना अपन यहाँ मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो जब भी बच्चों कोलिजन होता है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से ही इस वॉल पर प्रेशर एक्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे इसका, फर्स्ट, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आइडियल गैस कोलाइड विद वॉल वेसल विद वेलोसिटी वी, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, अभी तक ये रहा वही क्वेश्चन, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, उसके चेंज इन मोमेंटम कितना रहा है, माइनस टू एम वी, अब माइनस टू एम वी ऑप्शन नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड अपन देख ले, तो मैग्नीट्यूड कितना रहा बच्चों, टू एम वी, इसका जो परिमाण आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना बनेगा बच्चों, टू एम वी के इक्वल, ठीक है, तो इसलिए कौन सा आंसर टिक कर सकते हैं, फर्स्ट, मैग्नीट्यूड टू एम वी, क्लियर। तो अपन देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर 35 के बाद, सॉरी 34 का 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज ई, एट द सेम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ई एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं बच्चों मोलर काइनेटिक एनर्जी को, मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, ठीक है, इसे ई म्यू से अपन शो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, ये होती है एफ आर टी बाई टू, ठीक है, एफ आर टी बाई टू, ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन गैस दे रखी है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन, दोनों के दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, सेम है, इसका भी एफ क्या होता है बच्चों, टू होता है, इसका भी एफ कितना होता है, टू, ठीक है, दोनों का एफ टू है, तो यहाँ पे और टेम्परेचर भी यहाँ पे हमें 300 केल्विन सेम ही दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर देखिए यू है, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सेम ही आएगी, सेम, क्योंकि आर भी, आर तो वैसे कॉन्स्टेंट है, टू तो भी कॉन्स्टेंट है, एफ भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम दे रखा है, तो सेम आ जाएगी, इसलिए क्या टिक करेंगे आंसर, थर्ड, ठीक है, तो इस तरह अपन समझ सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 36, क्या है 36, डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो क्या पूछा बच्चों यहाँ पे देखिए, ये रेशो पूछा है डेल यू अपॉन डेल क्यू, मैं जो टोटल हीट इसको अपन दे रहे हैं उसका कितना अमाउंट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने में खर्च हो रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला जानते ही बचपन से, क्या होता है, म्यू सी वी डी टी, ठीक है, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा प्रोसेस हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कोई सा प्रोसेस हो, डी यू का, डेल यू का फॉर्मूला एक ही है, म्यू सी वी डी टी। अब चलो डेल क्यू, ठीक है, अब डेल क्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डेल क्यू कौन सा यूज करेंगे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एनर्जी, हीट एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो क्या होती है, म्यू सी पी डी टी होती है, म्यू सी पी डी टी, तो यहाँ पे डी टी से डी टी उड़ा दो, म्यू से म्यू को उड़ा दो, क्या आएगा, सी वी अपॉन सी पी, मतलब वन अपॉन गामा, ठीक है, और गैस कौन सी होती है यहाँ पे, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है, ये होता है 5/7, 7/5, तो उसका उल्टा कर देंगे 5/7, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है, तो 5/7 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 5/7 थर्ड, ठीक है, तो अपन ये टिक कर सकते हैं, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका 5/7। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ ए मोनोटोमिक गैस हैविंग वॉल्यूम वी एंड प्रेशर इज 3/2 पीवी, ठीक है, ये आपको कौन सी एनर्जी गिवन है, ठीक है, मोनोटोमिक गैस के लिए एनर्जी गिवन है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस, क्या पूछा बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे हम देखें और किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए, तो बच्चों देखिए डायटोमिक गैस के लिए जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, देखिए ट्रांसलेशनल के ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों, हमेशा यहाँ पे 3/2 पीवी, के ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 3/2 पीवी फॉर ईच गैस, ठीक है, ईच गैस, कोई सी भी गैस हो सभी के लिए बच्चों यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है इस जगह, ये क्या आता है, 3, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है, एफ, एफ क्या शो, 3 क्या बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, तो यहाँ पे एफ कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, एफ कौन सी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल,
ठीक है, तो एफ यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए यहाँ पे क्या था 3, ठीक है। तो के ई ट्रांसलेशनल क्या बच्चों, के ई ट्रांसलेशनल जो बताया मैंने आएगा 3/2 PV, सेम ही आएगा, तो वो आएगा रिजल्ट 3/2 PV। हाँ, अगर पूछा टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर हम यहाँ पे 5/2 PV पुट कर दे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 3 सर्किल के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ओनली ट्रांसलेशनल पूछा आपसे, तो ट्रांसलेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, बट अगर टोटल पूछ ले तो डायटोमिक की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, तो 5 अपन टिक करते कब, अगर टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछता आपसे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 to 927, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो चलो देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये इट इज प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपने यहाँ पे कितना कर दिया है 4 times, ठीक है। यहाँ पे हम देखें यहाँ पे टेम्परेचर 4 times हो रहा है, क्या देखो पहले देखिए के ई डैश अपॉन के ई अपन करेंगे तो टी डैश अपॉन टी, तो टी तो कितना बच्चों पहले 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन है, बाद में कितना कर दिया 927 मतलब 1200 केल्विन, तो कितना बच्चों यहाँ पे 4 times हो गया ना, ये इसको कैंसिल कर दो, 4 times कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हम देखेंगे तो के ई डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 times ऑफ के ई, तो क्या जाएगा 4 units हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते अपन आंसर, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या बच्चों 39, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 mole ऑफ हीलियम एंड 1 mole ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज फ्रॉम 0 degree Celsius टू 100 degree Celsius एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड विल बी। और चाहे हमें यहाँ पे इसको नियत दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, तो चाहे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम में गिवन हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, μCpdT, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करना पड़ेगा, अब सीपी से पहले यहाँ पे इसका हम क्या निकालें, सीवी निकाल लें, तो देखो क्या है 1 mole, यहाँ पे 1 mole तो हीलियम है एंड 1 mole हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 mole कौन सी बेटा हीलियम एंड 1 mole यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो इसका पहले अपन निकालते हैं सीवी मिक्सचर, फिर सीपी मिक्सचर निकालेंगे। चलो पहले सबसे पहले निकालें यहाँ पे एफ मिक्सचर, एफ मिक्सचर निकालते हैं, ठीक है, एफ मिक्सचर निकालेंगे तो क्या है बच्चों, देखो 1 mole हीलियम है तो 1 × 3 क्या लगा रहा हूँ फॉर्मूला, μ1 F1 + μ2 F2 / μ1 + μ2, तो 1 × 3 + 1 × 5 / 1 + 1 कितना हो जाता है यहाँ पे 8/2 मतलब 4th हो गया इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हम निकाल लें सी वी, सी वी इज इक्वल टू होता है FR/2 होता है FR/2, तो FR/2 लगाएंगे तो 4R/2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2R, ठीक है, कितना हो चुका यहाँ पे, ये आ गया 2R। अब निकालें सीपी, ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, सीपी इज इक्वल टू अपन जानते हैं सीवी प्लस आर होता है, मेयर इक्वेशन की है सहायता से निकालते हैं, तो यहाँ पे 2R प्लस R करिए तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3R, ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू कितना होगा 3R। अब बच्चों अब निकालते हैं हमें क्या निकालना है, Q, डेल Q, तो यहाँ पे डेल Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल Q इज इक्वल टू μCpdT, ठीक है, μCpdT ये लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो म्यू यहाँ पे टोटल मोल कितने हो गए 1 mole 1 mole मिलके कितना बन गए 2 mole, तो यहाँ पे टोटल मोल तो कितने हैं 2, टोटल मोल 2 है, सीपी आपने फाइंड कर लिया कितना आ रहा है 3R एंड डीटी चेंज इन टेम्पर कितना है 100 - 0 करिए तो ये 100 है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखिए आर, इस आर की वैल्यू होती है 2, आर की वैल्यू कैलोरी रूप में होती है 2 होती है ना, 2 कैलोरी के फॉर्म में होती है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे इसके अंदर 2 × 2 = 1200 कैलोरी, 200 कैलोरी। हाँ बच्चों अगर सारे ऑप्शन यहाँ पे जूल की फॉर्म में होते तो आर कितना पुट करते 8.31 पुट करते, लेकिन सारे ऑप्शन जूल के कैलोरी रूप में थे इसलिए अपन यहाँ पे आर गुलू 2 पुट करी है, ठीक है, तो इस तरह अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्ड 207 joule हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 kelvin व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसको पर हीटिंग कर रहे हैं तो हमें 207 joule हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप कह रहे हैं इसी गैस को अगर अपन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर रियलाइज करें इसका टेम्परेचर तो कितनी हीट चाहिए होगी, ठीक है, तो चलो देखो नियत दाब पे अगर अपन हीट देते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू μCpdT, बट अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है μCvdT, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे 207 की वैल्यू गिवन है,
ठीक है, म्यू सी पी डी टी, तो डेल क्यू, ठीक है, डेल क्यू प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर अपने जानते हैं म्यू सी पी डी टी होता है, ठीक है। अब बच्चों उसकी डेल क्यू 207 गिवन है, तो रख दो 207, ठीक है, जूल, म्यू हमें यहाँ पे 1 मोल दे रखा है, 1 मोल, ठीक है, सी पी, एंड डी टी कितना है 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो सी पी इज इक्वल टू कितना बेटा 20.7। अब मेयर इक्वेशन की हेल्प लें अपन, मेयर इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, ठीक है, तो 20.7 में से क्या माइनस करें, 8.3 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 8.3 को माइनस करोगे तो 12.4 बन जाएगा, ये 12.4, 12.4, ठीक है, ये आ गई सी वी की वैल्यू। अब देखिए, अब हमें निकालना है डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो क्या होता है म्यू सी वी डी टी, ओके, म्यू सी वी डी टी, म्यू तो यहाँ पे 1 मोल ही सही, ठीक है, म्यू को रखा 1, सी वी आपने फाइंड किया 12.4, ठीक है, डी टी कितना यहाँ पे 10, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 124 जूल, ये आ गया आंसर 124 जूल, ठीक है, बात पहले पड़ी, ठीक है, 124 जूल ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मतलब फोर्थ आंसर आ गया इसका, ओके। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 41, द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3 एंगस्ट्रॉम, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिकुलर वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी। अब यहाँ पे देखिए एसटीपी बोला है, एसटीपी इस पे हम जानते हैं गैस का जो वॉल्यूम यूज करते हैं कितना यूज करते हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है, तो जो इस पे जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं कितने होते हैं एन ए, ठीक है, इसमें एन ए तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसटीपी मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन ए, एंड लीटर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर गैस, तो ये चीज अपन पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे गैस तो कितनी है 22.4 लीटर है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें एन ए मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और हमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस ये निकालना है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम किसका, मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये अपन रेशियो फाइंड करना है। अच्छा मॉलिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एन ए मॉलिक्यूल्स है, तो एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब बच्चों डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस तो यहाँ पे देखने कितना है 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर, इसको अगर अपन एक काम करें 10^-3 मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये मीटर क्यूब में, ठीक है, आई बस में। अब बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे देखें गैस कौन सी बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या बच्चों O2 है, क्या है O2, तो ऑक्सीजन गैस के बारे में आप जानते हो इसमें दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, दो एटम दिख रहे हैं, एवरी मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है, और एवरी एटम एक स्फीयर की तरह बिहेव करता है, गोले की तरह, जिसका आयतन क्या होता है 4/3 πr³, वॉल्यूम 4/3 πr³, 2 एटम है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उसको क्या करेंगे 2 × 4/3 πr³ ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय यही सही वैल्यू एज इट इज, ये तो एज इट इज यही सही वैल्यू। अब यहाँ पे इसके अंदर आर, हमें यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है 1. डायमीटर 3 है, तो यहाँ पे इसका जो देखिए, अच्छा यहाँ पे एन ए रख दें, एन ए कितना होता है 6 × 10^23, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 × 4/3 πr, आर कितना होता है यहाँ पे इसका हाफ कर दो 1.5 × 10^-10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में देखिए वैल्यू, ठीक है, क्यूब, डिवाइड बाय, डिवाइड हो यहाँ पे वही 22.4 × 10^-3 मीटर क्यूब रखेंगे, तो उसको सॉल्व करने पे जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है ये बन जाता है 8 × 10^-4, ये आता है रेशो, तो इसका ये आंसर जाएगा 8 × 10^-4, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या बोलते हो, द एडजॉइनिंग फिगर शोज ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम गैस टू टेम्परेचर T1 T2, कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है ये आपको फाइंड करना है। तो चलो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप भी क्लास सोल्व करते ही है, पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये लाइन कौन सी है, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन,
ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक तो लाइन यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, इनको नीचे लेके आए, ठीक है, और इसको नीचे लेके आए। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये वॉल्यूम वी वन, ये सेकंड ग्राफ के लिए वॉल्यूम वी टू। तो दोनों में से बच्चों कौन सा वॉल्यूम ग्रेटर है, देखिए आप जानते हैं अगर प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उस केस में हम जानते हैं टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। और जो इन फिगर कौन सा वॉल्यूम आपको ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ पे V2 आपको ग्रेटर दिख रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 दिख रहा है, इसलिए कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर होगा, T2। दिस इंप्लाइज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे, ये लो T2 इज ग्रेटर देन T1 थर्ड, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम V2 ग्रेटर है तो टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो ये अपन ने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन 42। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, क्वेश्चन 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो देखिए तो कॉन्स्टेंट प्रेशर बच्चों P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के केस में आप जानते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बेटा इसलिए वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे V अपॉन T का ग्राफ क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, चाहे किसी के साथ ड्रॉ करें, चाहे 1/V के साथ ड्रॉ करें, चाहे V के साथ, चाहे T के साथ, चाहे 1/T किसी के साथ भी ड्रॉ कर लो, V अपॉन T ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो ये देख लिया अपन ने, नेक्स्ट 44, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डिपेंड्स ऑन, तो चलो इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ठीक है। आइडियल गैस बोल दिया बच्चों, आइडियल गैस के लिए ऑनली किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। अगर बच्चों रियल गैस होती तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती इसकी वैल्यू, इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती, कब, अगर रियल गैस गिवन होती तो, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ बच्चों द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो बच्चों फर्स्ट लॉ किसको शो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन शो कर रहा है, ठीक है। क्यों शो कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन को, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, गिवन हीट इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये सभी क्या है, सभी की एनर्जी, सभी की जो यूनिट होती है जूल के लो, सभी क्या कहते हैं, सभी की एनर्जी कैलोरी फॉर्म होती है, ये भी जूल, ठीक है, ये भी जूल, मतलब एक तरह से किसको शो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को, मीन्स जो टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, जो टोटल गिवन एनर्जी फिक्स रहेगी वो वर्क डन प्लस DU की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये अपन देखा। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 46, 110 जूल हीट इज एडेड टू ए गैसीय सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी चेंज इज 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, तो चलो देखो अभी आपको बताया था मैंने इक्वेशन का लिखते हैं, डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस DU, ठीक है। अब यहां पे देखो 110 जूल इज इट एडेड, मतलब गिवन जूल कितनी है, 110 जूल है, ये 110 दे रखी है, ठीक है। तो जब भी हीट आपको प्रोवाइड करते हैं किसी गैस को, ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो प्लस लिखते हैं, और अगर वहां से ऊष्मा निकल रही है, रिजेक्टेड हीट है, तो माइनस लिया था, अभी तो चलो यहाँ पे ऐड कर रहे थे इसलिए प्लस लिख दिया। फिर बच्चों इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो डेल डब्ल्यू फाइंड करना है, और बच्चों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज 40 जूल की बने, ये 40 की बने, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, 70 जूल, माइनस कर दे 70 जूल लिया जाएगा इसका आंसर सेकंड, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 100 ग्राम वाटर हीटेड फ्रॉम 30 टू 50 इग्नोरिंग स्लाइटली एक्सपेंशन ऑफ वाटर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो बच्चों यहाँ पे देखिए स्लाइटली एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लाइट एक्सपेंशन गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, नियरली कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे हम देखें वॉल्यूम इज नियरली कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें गिवन है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा बच्चों, जीरो, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन के लिए जीरो जाएगी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी तो अपने जो इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, तो चो यहाँ पे ये तो जीरो आ गया, इसलिए यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल क्यू के इक्वल, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर बच्चों जीरो है, वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, हीट एनर्जी, गिवन हीट के इक्वल। अब यहाँ पे वाटर है तो इसमें डेल क्यू इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, ओनली टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, देखिए स्टेट फिक्स है, वाटर केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो क्या लगाना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे MSDT का यूज करना है, MSDT का यूज करेंगे। और जो MSDT, अब यहाँ पे M हमें कितना गिवन है, वाटर का M 100 ग्राम गिवन है,
ठीक है 100 ग्राम गिवन है, ये रख दो 100। एस कितना बचा यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जूल पर किलोग्राम की फॉर्म में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, चलो जो दे रखी है वही रख देते हैं अपन। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें आप, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ जो हीट आपको गिवन है, देखो क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे 4184 जूल पर किलोग्राम केल्विन गिवन है। तो यहाँ पे जो मास हमें रखना पड़ेगा, अगर आप बच्चों इस यूनिट का यूज कर रहे हो ना, अभी इससे पहले मैंने अभी यहाँ पे जो इरेज किया था MQL 1 पुट की थी, सॉरी MQL आपने डायरेक्ट 100 ग्राम रखी थी, ग्राम में रखी थी, कब, क्योंकि मैं एस को 1 पुट करने जा रहा था। तो एस की जो 1 होती है वो क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम की फॉर्म में होती है, बट हम यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 4184 जूल पर किलोग्राम की फॉर्म में रखी है, अगर आप एस की वाली वैल्यू पुट करोगे ना तो एम को हमें किलोग्राम में रखना पड़ेगा। फिर देखो फिर किलोग्राम में रखो, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो 100/1000, ठीक है। अब एस बच्चों यहाँ पे क्या है, ये रहा 4184, ठीक है, और डी टी कितना बच्चों यहाँ पे, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना जाएगा, 50 - 30 करें 20 आ जाएगा, कितना बनेगा 20। तो सॉल्व करके निकाल लेंगे तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा ये 8.4, इसे डबल करेंगे तो 8.4 किलो जूल के समथिंग आएगा, 8.4 × 10³ जूल, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ जाएगा 8.4 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरह अपन ये इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। आदर्श गैस आपको दे रखा है यहाँ पे, आइडियल गैस, तो आदर्श गैस का क्या हो रहा है, तो मुक्त प्रसार हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन, तो अपन जानते हैं इस केस में। तो आप यहाँ पे देखिए क्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, ये तो क्या होते हैं जीरो, वर्क डन के लिए जीरो होती है, एंड टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या जाएगी, जीरो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए कौन सा आंसर टिक करेंगे, फर्स्ट, ठीक है। तो 48 का फर्स्ट हो जाएगा, ओके। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस बोल दिया है, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी ये केवल होती है ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओनली काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, काइनेटिक एनर्जी ओनली आएगा इसका। अगर वो रियल गैस होती तो रियल गैस में हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है, तो फिर हम क्या टिक करते, सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कब, अगर आपको रियल गैस गिवन होती, या आइडियल गैस गिवन है इसलिए ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो अब देखें उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बच्चों, इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर एट ए फिक्स्ड मास गेट्स चेंज सच दैट मेनी दैट गैस रिलीज 20 जूल हीट एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वाज 30 जूल, द फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी, तो चलो यहाँ पे वही हमें यहाँ पे फ्लॉट इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल पी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, डी यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या लिखते हैं बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखिए डेल क्यू, यहाँ पे डेल क्यू क्या है, गिवन हीट, ढंग से पढ़ो क्या कह रहा है, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, हीट यहाँ से निकल रही है, रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे माइनस, ठीक है माइनस 20। अब चो वर्क डन, अब यहाँ पे देखिए 8 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय गैस बोलता तो प्लस लिखते हैं, वर्क डन ऑन गैस बोला गया है इसलिए हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, तो माइनस की उम्र के माइनस कितना है 8 जूल, ये रख दिया माइनस 8। सोचो यू फाइनल हमें फाइंड करना है और इनिशियल हमें कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू गिवन है यहाँ पे 30 जूल, इनिशियल 30 जूल गिवन है, बस इसको सॉल्व करके निकाल लो, तो यू फाइनल इज इक्वल टू क्या जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू ये माइनस 20 तो है ही सही, ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 बन जाएगा, ठीक है, ये 30 इधर आके प्लस 30 जाएगा, ठीक है, तो 38 में से 20 माइनस करिए कितना जाएगा 18 जूल, तो कौन सा आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 ये हो गया, ठीक है। तो चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बच्चों, द गैस लॉ पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर, तो चलो अपन जानते हैं यहाँ पे देखिए गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू आर टी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टी नीचे ले आऊं मैं तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
न्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अगर म्यू फिक्स है तो मतलब अमाउंट ऑफ गैस अगर फिक्स है तो उस पर कोई सा भी प्रोसेस लगा लो, कोई सा भी प्रक्रम लगा लो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। तो जो गैस का अमाउंट अगर फिक्स है तो एवरी प्रक्रम के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या जाएगा उसमें, बहुत आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज, कोई सा भी प्रक्रम करो, ठीक है, हमेशा ये फिक्स आएगी वैल्यू, क्लियर। चलो 51 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, व्हेन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है, वाज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली बाय पिस्टन, द वर्क डन ऑन द गैस फाउंड टू बी 1.5 इनटू 10 पावर 4 जूल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब बच्चों यहां पे आइसोथर्मली इसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल कंप्रेस करेंगे तो उसमें डीयू कितना बनेगा बच्चों, जीरो, मतलब समतापी प्रक्रम है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो डीयू जीरो आएगा, ठीक है। अब जो डीयू जीरो है तो उसके केस अपन जानते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्योंकि अपन जो फ्लॉट इक्वेशन करें, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डीयू, डीयू यहाँ पे जीरो है। अब जो डेल क्यू क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस बोला है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस 1.5 इनटू 10 पावर 4 जूल, ठीक है। और जो कैलोरी में चेंज करें तो कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4.2 से डिवाइड कर दो उसको, 4.2 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को यहाँ ले आओ, 15 बन जाएगा, 15 अपॉन 4.2 करेंगे तो 3.6 आएगा, तो माइनस 3.6 इंटू 10 पावर 3 कैलोरी। अब बच्चों माइनस साइन यहाँ पे इसको शो करा बच्चों, इसको पता रहा है कि यहाँ से एक तरह से गैस निष्कासित होगी, बाहर निकलेगी, मीन्स फ्लोड आउट, यहाँ से बाहर आएगी गैस, तो ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, आउट को, ठीक है, फ्लो आउट फ्रॉम सेल, मतलब यहाँ पे निष्कासन होगा उसका गैस का, तो क्या जाएगा इसका रिजल्ट, ऊष्मा का यहाँ पे निष्कासन होगा, तो 3.6 इंटू 10 पावर 3 कैलोरी ऊष्मा का निष्कासन होता है, ये रिजल्ट निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 53। तो क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एन आइडियल गैस ए एंड रियल गैस बी हैव देयर वॉल्यूम्स इंक्रीज फ्रॉम वी टू टू वी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए हम देखिए, अगर अपन वन मोल, अगर बच्चों वन मोल अगर मैं आइडियल गैस लेके चल रहा हूँ, आइडियल गैस वन मोल, आइडियल गैस तो वन मोल आइडियल गैस के लिए जो यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, क्या बच्चों सी वी डेल्टा टी, ये होता है बच्चों, ठीक है, सी वी डेल्टा टी। अब आइडियल गैस है, इसके लिए वॉल्यूम इंक्रीज करें अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम, आइसोथर्मल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये क्या आएगा, जीरो, इसकी इंटरनल एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट बच्चों अगर ये रियल गैस होती, वन मोल रियल गैस, अगर अपन रियल गैस की बात करें, बच्चों रियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है, रियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होती है सी वी डेल्टा टी प्लस, सी वी डेल्टा टी प्लस, देखिए सी वी डेल्टा टी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर डेल वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो सोचो यहाँ पे इसमें ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ओके, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, अब यहाँ से क्या बन रहा है रिजल्ट, ए अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा वी, ठीक है, मीन्स क्या मतलब है कि रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो नॉन जीरो होगी, ठीक है, बट इसके लिए क्या आ रही वैल्यू, जीरो, तो यहाँ पे क्या जाएगा रिजल्ट, ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है, बी के लिए ए की तुलना में अधिक होगी, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है, और यहाँ पे ये आइसोथर्मल कंडीशन में अगर अपन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आइडियल गैस की तो इंटरनर्जी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट रियल गैस की एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, इतना अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं 53 को। चलो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 54। देखिए ये रहा आप क्वेश्चन स्क्रीन पर, 54 ड्यूरिंग एन आइडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन समझे, आपसे कह रहा है पी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3, ये बोला गया पी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3, और अपन जानते हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो दोष प्रक्रम में वहां पे पी प्रोपोर्शनल टू होता है टी अपॉन गामा माइनस 1, पी समानुपाती किसके होता है, टी पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 के समानुपाती होता है, तो यहां से अगर अपन सो कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या आएगा गामा अपॉन
गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, थ्री। तो गामा इज इक्वल टू थ्री गामा माइनस थ्री, ठीक है। तो थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, टू गामा। सोचो गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा, थ्री बाई टू। तो गामा इज इक्वल टू थ्री बाई टू मीन्स 1.5, ठीक है। तो 1.5 ये आ जाएगा रिजल्ट। तो सोचो आपको देखिए दोष प्रक्रम जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए क्या क्या बताना चाहिए। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में बता दूं आपको मैं, एक तो होता है इक्वेशन पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब टी एंड वी में रिलेशन। एंड बच्चों पी एंड टी में रिलेशन क्या होता है, पी प्रोपोर्शनल टू ये होता है टी पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों यह होता है रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह काम में आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों जो अपन थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यहाँ पे दोष प्रक्रम है, ठीक है। आप देखें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे थे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस पे, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज इन गैस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। एडियाबेटिक चेंज, अब जो एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेल क्यू क्या होता है, जीरो आप जानते ही हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ पे अपन जानते हैं वर्क डन मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। तो ये तो जीरो है, तो डेल डब्ल्यू प्लस डी यू कहाँ से, डी डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डी यू। डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू ये बनेगा। अब जो डी यू की वैल्यू आप जानते हैं म्यू सी वी डी टी होती है, म्यू सी वी डी टी। तो यहाँ पे आप देखें अगर वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज इन गैस इज डिपेंड्स ऑन, तो बच्चों केवल किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। ओनली चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये चेंज इन टेम्परेचर पे। तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, थर्ड, ओनली डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखें, अब क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा, अ मोनोटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एडियाबेटिकली, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी, अब यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिजल्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखें हम जानते हैं प्रेशर इंटू वी पावर गामा, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका यूज करते हैं अपन एडियाबेटिक प्रोसेस में, करते नहीं करते, बताया था आपको मैंने। गामा कितना की बने यहाँ पे, गामा की वैल्यू 5/3 की बने, फिर पी प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर गामा मतलब 1/V पावर 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कंप्रेस करके वॉल्यूम 1/8 टाइम्स कर दिया है, ठीक है, वॉल्यूम 1/8 टाइम्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या जाएगी, P2/P1 अपन करेंगे ना, तो आएगा V1/V2 पावर 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू 1/8 टाइम्स है, तो V2 रखेंगे 1/8 टाइम्स ऑफ V1, तो 8 चल जाएगा ऊपर, तो 8 पावर 5/3 हो जाएगा ये। तो बच्चों पहले बाई थ्री वाली पावर करें, बाई थ्री मतलब 1/3 पावर अप्लाई करें 8 पर, क्या बनेगा 2, ठीक है, 2/5। अब जो 2/5 क्या होता है, 32। तो क्या जाएगा आंसर यहाँ पे, P2 = 32 टाइम्स ऑफ P1, ये रिजल्ट बन रहा है। मतलब इसका जो वॉल्यूम है इनिशियल प्रेशर का 32 गुना हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 57, द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। तो चलो देखो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये तो नॉर्मल सी बात है, पता ही होगा आपको। आइसोथर्मल एडियाबेटिक का जो कर्व होता है वो क्या होता है बच्चों, स्लोप्स का गामा इनटू आइसोथर्मल कर्व, नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही ये चीज है। चलो अब देखें उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में बच्चों क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ टी केल्विन डज 6 जूल वर्क एडियाबेटिकली, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 5/3 द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी। तो चलो देखो यहाँ पे अपन जो देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है डेल डब्ल्यू, क्या होता है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ यूज करते हैं म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा माइनस वन, म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा माइनस वन ये होता है। और जो वर्क डन हमें कितना गिवन है, देखिए 6R गिवन है, वर्क डन 6R रख दो, 6R, ठीक है। म्यू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 1 मोल गिवन है, 1 मोल म्यू रख दिया 1, R तो खैर ऑप्शन में है। अच्छा R की वैल्यू यहाँ पे हमें R, चलो R रहने देते हैं, यहाँ पे R कट जाएगा, ठीक है R, ठीक है R,
अब जो टी वन माइनस टी टू, तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना गिवन है यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे टी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर टी रख दो, इनिशियल टेम्परेचर टी है, फाइनल टेम्परेचर टी टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारा प्रोसेस, हमारा जो एम क्या है, टी टू फाइंड करना है अपॉन गा माइनस वन, गामा आपको दे रखा बच्चों 5/3, तो 5/3 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 2/3, ओके 2/3 बचेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर इसको 2/3 को हम यहाँ से वो आर कैंसिल हो गया, ये आर से आर कैंसिल, 2/3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2/3 मतलब 12/3 मतलब 4, ठीक है, तो आएगा 4 = t − t2, ठीक है। तो t2 = क्या जाएगा, t2 = यहाँ से t − 4, तो t2 = बनेगा t − 4, ये इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 4, t2 = t − 4, ये रिजल्ट अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ये रहा 59। तो यहाँ बच्चों इसमें ग्राफ गिवन है, तो इसमें बच्चों कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखो वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, यहाँ पे वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बच्चों वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, यहाँ जो लैम्डा एम है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/T, मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इस जगह, ये देखो जो इसके लैम्डा निकल के आएंगे नीचे लेके आए इसको अपन, ठीक है, यहाँ पे इस जगह इसके लिए लैम्डा, ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 3, ये लैम्डा 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे लैम्डा 1 सबसे छोटा है, इसमें लैम्डा 1 सबसे छोटा दिख रहा है, उससे बड़ा लैम्डा 3 है, उससे बड़ा लैम्डा 2 है, तो इसलिए यहाँ पे t1 सबसे ग्रेटर आएगा, उससे छोटा t3, सबसे छोटा t2। तो कौन सा ऑप्शन है, t1 फिर t3 फिर t2, यह जाएगा रिजल्ट सेकंड, ठीक है। तो इससे अपन ठीक कर सकते हैं, वीन्स लॉ की हेल्प अपन ले ली, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्ट गैस एट प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उष्म आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ये पढ़ते ही आप क्या होता है, गामा पी। और चो अगर देखिए समतापी रूप से, मतलब एक तरह से आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपसे पूछ ले बल्क मॉडुलस तो क्या होता है, बी इज इक्वल टू पी, बट एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, गामा इंटू पी, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या है, देखिए 61 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ डायटोमिक गैस शुड बी एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू हाफ। तो चलो देखो यहाँ पे VRMS, आप जानते हैं VRMS रूट ऑफ 3RT/MW होता है अपन जानते हैं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, रूट ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, VRMS स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी आपने हाफ कर दी है, हाफ कर देंगे तो टेम्परेचर कितना जाएगा, 1/4, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे 1/4 जाएगा, T2 = T1/4, क्योंकि आपने वेलोसिटी हाफ कर दी है, टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा, ओके। अब बच्चों यहाँ पे हमसे किसकी डिपेंडेंसी पूछ रहा है, बच्चों यहाँ पे देखिए शुड बी एक्सपेंडेड, मतलब वॉल्यूम की डिपेंडेंसी पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों आप देखिए, हम जानते हैं टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट, ये अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा देखिए डाई एटोमिक गैस है, डाई एटोमिक गैस का गामा क्या होता है, 5/7, तो यहाँ पे वी 5/7 - 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से देखिए वी पावर कितना है यहाँ पे 2/ कितना माइनस करेंगे 7/5 होता है, उल्टा लिख दिया, ये 7/5 - 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7/5 में 7 माइनस करो कितना आएगा 2/5, ये आएगा 2/5, तो वॉल्यूम पावर 2/5 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1/T, ठीक है, 1/T, ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इधर ले जाएं पावर को, तो ये हो जाएगी वी प्रोपोर्शनल टू 1/T/5/2, ठीक है, 5/2। अब यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू पुट करें इसके अंदर, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू जो आ रही, देखो हमें क्या निकालना है, V2/V1 निकालना है, तो V2/V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो T1/T2/5/2। तो चलो T1/T2 यहाँ से देखिए T1/T2 करेंगे इधर से कितना बनेगा, ये 4 बनेगा, तो यहाँ पे रख दो 4/5/2। तो चलो पहले यहाँ पे बाय 2 लगाएं पावर, मतलब 1/2 power of 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो आएगा 2/5। अब जो 2/5 के लिए क्या हो जाएगी 32,
तो कितना आ गया 32, तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे 32 टाइम्स हमें इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पहले आर एम एस स्पीड से हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी फाइंड करनी पड़ी, फिर टी एंड वी की हेल्प से अपने वी निकाला, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन 61 हो गया। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या जा रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस अप्लाइड ऑन गैस। अब बच्चों देखो अपन जानते हैं यहाँ पे ये वर्क डन एंड हीट जो होती है वो तो पाथ पे डिपेंड करती है, अलग अलग जो ग्राफ हम बनाते हैं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ, अलग अलग कर्व ग्राफ बनता है, तो उसमें वर्क डन एंड हीट केवल तो पाथ पे डिपेंड करती है, बट जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, ठीक है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। मतलब बच्चों इस तरह से कि अगर मैं ये बात करूँ जैसे पी वर्सेज वी ग्राफ है, पी वर्सेज वी ग्राफ है बच्चों इस तरह से प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। मान लो ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से तक एक पाथ ही हो गया फर्स्ट पाथ, यहाँ बच्चों ये सेकंड पाथ हो गया सेकंड पाथ। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड पाथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं डब्ल्यू, ठीक है, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सेकंड, ठीक है। एंड बच्चों मतलब डेल डब्ल्यू बात करें और यहाँ पे डेल डब्ल्यू फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू डेल डब्ल्यू सेकंड, ठीक है। वर्क डन यहाँ पे सेम नहीं होगा, ठीक है। हीट की बात करें वो भी सेम नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू डेल क्यू सेकंड। बट बच्चों यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू फर्स्ट इज इक्वल टू क्या आएगी डी यू सेकंड। तो इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ओनली इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर मीन इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो क्या जाएगा इसका आंसर थर्ड, क्लियर, ये अपन देगा। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। अब जो एसटीपी आपको गिवन है, ठीक है, एसटीपी पे आप जानते हो यहाँ पे इसके अंदर किसी भी गैस का वॉल्यूम, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम अपन जानते हैं 22.4 लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली 5.6 लीटर हीलियम ही है तो उसका मोल कितना होगा, देखिए 1 मोल का अमाउंट कितना है 22.4 लीटर, या कहते हैं यू समझे, चलो उसको 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, तो 5.6 लीटर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5.6 में 22.4 का डिवाइड करिए कितना बनेगा 1/4 मोल, मतलब क्वार्टर मोल, मतलब 1/4 मोल हीलियम गैस है यहाँ पे, ठीक है। अब जहाँ पे एडियाबेटिकली कंप्रेस टू 0.7 लीटर, ठीक है, टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू T1, इनिशियल टेम्परेचर T1, वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो जो वर्क डन की वैल्यू जो आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें जानते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वर्क डन। तो जो यहाँ पे हमें देखिए टेम्परेचर हमें यहाँ पे गिवन है इनिशियल, पर फाइनल टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो पहले फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे निकालें टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन, देखिए अभी लिखा था अपने टी वी पावर γ-1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर गामा की वैल्यू कितनी बच्चों, गामा कौन सी गैस है, ये हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम गैस का गामा कितना होता है, गामा इज इक्वल टू आप जानते हैं 5/3, तो गामा इज इक्वल टू मोनोटॉमिक गैस है ना, गामा इज इक्वल टू 5/3 रख देंगे तो 5/3 -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जो टी वी पावर कितना हो गया यहाँ पे 5/3 में से 1 माइनस करो 2/3 है, 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मिस टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/V^2/3, ठीक है, ये अपन देख लिया। अब जो यहाँ पे इसमें देखिए टी टू निकाले अपन, तो T2/T1 इज इक्वल टू, अब जो T2/T1 करेंगे तो क्या आएगा V1/V2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, पावर 2/3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसमें V1 कितना बच्चों, V1 इनिशियल में 5.6 था वॉल्यूम, 5.6 अब कितना रह गया यहाँ पे 0.7, ठीक है, 0.7 रह गया है, पावर 2/3 है, तो जो 7/8 = 56 होता है तो 8 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है, 8/2/3, तो पहले 1/3 पावर लगा दें, 1/3 पावर करेंगे तो कितना यहाँ पे 2 में से यहाँ पे जाएगा 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, तो 4 हो गया इसके बच्चों T2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T1, ये लो टेम्परेचर अपने फाइंड कर लिया। अब उसको हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे μr T1 - T2/γ-1, ये होता है फॉर्मूला वर्क डन का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे म्यू नंबर ऑफ मोल्स, अभी आपको समझाया मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ये 5.6 / 22.4 कर देंगे,
5.6 अपॉन 22.4, क्योंकि आप जानते हो 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे 5.6 लीटर के लिए मोल्स कितने जाएंगे, 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। आर आर तो ही से आर की फॉर्म में रिजल्ट दे रखा है, T1 माइनस T2, T2 इज इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ T1 है डिवाइड बाय गामा माइनस 1। गामा तो चलो यहाँ पे गामा कितना है, 5/3 ना, गामा तो रख देंगे 5/3 माइनस 1, ठीक है। तो चलो ये तो कितना हो गया 1/4, ये तो हो गया 1/4 आर, और ये हो गया -3T1, और नीचे 2/3 आएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 3 और यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 9 तो हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 8, -9/8, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है अंदर, तो -9/8 RT1 ये इसका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी काफी प्यारा सा सोना सा क्वेश्चन था, ये अपन ने सॉल्व किया। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, एन आइडियल गैस, आइडियल गैस एट प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस एडियाबेटिकली, ठीक है। इसको हम एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब इस दोष रूप से कंप्रेस कर रहे हैं, और इसका प्रेशर 8 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है हमें। तो अब ये रिलेशन किस है, प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर। तो प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर, अभी अपन देखा था यहाँ पे प्रेशर समानुपाती क्या होता है, टी पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। इसका आपको यूज करना है, तो चलो यहाँ पे देखिए इसका यूज करें। चलो तो प्रेशर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गामा कितना बच्चों आइडल गैस, ठीक है, आइडल गैस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे यूज करेंगे अपन गामा की वैल्यू 2/5/3, ठीक है, आइडल गैस एट प्रेशर एटमोसफियर। और जो आइडल गैस के लिए अपन जो गामा यूज करते हैं, यहाँ पे गामा दे ही रखा है, गामा 3/2 रखा है, और वैसे भी आइडल गैस के लिए 3/2 होता है गामा, ठीक है, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, जो टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए ऊपर 3/2 है, नीचे कितना है 1/2, ठीक है। तो 3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो 3 आएगा, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी पावर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करूँ तो प्रेशर पावर कितना कर सकते हैं, 1/3 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T2 अपॉन T1 निकालें, तो यहाँ पे P2 अपॉन P1, ठीक है, P2 अपॉन P1 पावर 1/3। तो प्रेशर बच्चों अपने यहाँ पे 8 टाइम्स कर दिया है, ठीक है, तो प्रेशर वैल्यू 8 टाइम्स कर दिए, तो 8 पावर 1/3 तो कितना जाएगा 2, तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। तो T1 कितना था बच्चों, पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, मींस 300 केल्विन, तो कितना होगा बच्चों ये 600 केल्विन। अब 600 केल्विन तो ऑप्शन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में रखें, तो उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 273 माइनस करना पड़ेगा, 273 माइनस करेंगे तो 327 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका आंसर 4, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब देखें 65, ठीक है, 65 क्वेश्चन देखिए, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर आइसोमेट्रिक प्रोसेस, सम आयतनी प्रक्रम में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो चलो वो आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, आइसो मतलब सम आयतनी प्रक्रम में हम जानते हैं वर्क डन 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्यों लगाएगी 0, ठीक है, सम आयतनी प्रक्रम की बात कर रहे हैं, सम आयतनी प्रक्रम में वर्क डन क्या होता है 0, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0 है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा du, तो डेल क्यू इज इक्वल टू du, तो कौन सा आंसर आ गया फर्स्ट, 65 का फर्स्ट हो जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस T1 आपको गिवन है 27, T2 गिवन है आपको 127, P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू, और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आप जानते हैं वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस केस में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 अपॉन P2 करेंगे तो क्या कुछ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो यहाँ पे T1 कितना है 27 मतलब 300 केल्विन, T2 कितना है, T2 यहाँ पे हमें गिवन है यहाँ पे 127 मतलब ये हो जाएगा 400 केल्विन, तो क्या जाएगा रिजल्ट 3/4, ठीक है, तो यह जाएगा 3/4 66 का आंसर, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा यहाँ पे 67, देखिए 67 क्वेश्चन, आइडियल गैस का वॉल्यूम गिवन है आपको
डीवी नॉट किस पे 127 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इट इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अच्छा प्रेशर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2V0, द फाइनल टेम्परेचर इज. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच्चों, तो उस केस में अपन जानते हैं वॉल्यूम इज टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बच्चों अपने यहाँ पे देखिए पहले वी नोट था, डबल कर दिया है, डबल कर दिया तो टी डैश क्यूल भी आ जाएगी, डबल हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ टी हो जाएगी, तो टू टाइम्स ऑफ टी, तो पहले टी कितना था बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन था, ठीक है, इसका डबल कर देंगे कितना जाएगा 600 केल्विन मतलब 327 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं. चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 विच इज इनकरेक्ट, कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है, ठीक है. पहला कह रहा है समद्वयी प्रक्रम में डेल्टा पी जीरो, सही बात है, आइसोबैरिक प्रोसेस में जीरो होता है, आइसोपोरिक में वर्क डन जीरो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट होती है, टेंपरेचर कांस्टेंट होता है, मतलब एनर्जी चेंज इन एनर्जी जीरो होती है. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में कह रहा है डेल क्यू जीरो, ठीक है, तो डेल क्यू जीरो थोड़ा होता है, रॉन्ग है ये, मतलब यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है डेल क्यू जीरो, तो इसलिए फोर्थ आंसर. चलो अब देखें 69 एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 to 150 लीटर एट एटमोसफेयर प्रेशर 1, एक्सटर्नल वर्क डन इज. अब यहाँ पे देखिए एयर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वायु को प्रसारित कर रहे हैं 50 से 150 लीटर तक, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन हमें फाइंड करना है, बाहर से कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन पूछ रहा है. तो देखिए बच्चों यहाँ पे करें सॉल्व इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, इसके अंदर प्रेशर क्या बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करना है, एटमोसफेयर प्रेशर. और जो एक्सटर्नल वर्क डन मतलब यहाँ पे हम देखें जो प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर हम जानते हैं, सराउंडिंग प्रेशर तो फिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, ठीक है, क्योंकि आउटर जो प्रेशर है वो कितना बच्चों 2 atm जो कि फिक्स है, दो वायुमंडल दाब जो है फिक्स दे रखा आपको, फिक्स्ड प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, समदाबी प्रक्रम है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस. तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर आप जानते हो वर्क डन की वैल्यू जो होती है पी डीवी से निकालते हैं, मतलब पी वी टू माइनस पी वन का यूज करते हैं, ठीक है. अब जो प्रेशर कितना यहाँ पे 2 atm, दो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 2 × 10^5. और जो वॉल्यूम यहाँ पे आपको लीटर में रखा है, ठीक है, लीटर ग्रुप में रखा है वॉल्यूम 150, ठीक है, 50 से 150 कर रहे हैं लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 150 × 10^-3, 50 × 10^-3, ये हमने इसमें चेंज कर लिया मीटर क्यूब में, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आगे, तो जाएगा रिजल्ट ये 2 × 10^4 जूल, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कौन सा आंसर टिक करेंगे, थर्ड, ठीक है. ये हो गया 69 क्वेश्चन. चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या, देखिए टेम्परेचर इन साइड रेफ्रिजरेटर इज T2 एंड रूम टेम्परेचर इज T1, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू रूम फॉर ईच जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम एट द विल बी, क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझें. देखिए यहाँ बच्चों अपन जानते हैं कोई रेफ्रिजरेटर है, ये कुछ रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर. अब बच्चों यहाँ पे ऊपर ये इसमें कमरे का टेम्परेचर आपको दे रखा है T1, मतलब यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स मतलब रूम टेम्परेचर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है T1 है ये, ठीक है, टेम्परेचर T1. और जो यहाँ पे अंदर जो एनर्जी है सिंक बोलते हैं, सिंक का टेम्परेचर जो है वो कितना है T2 है, सिंक मतलब अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है T2 है. तो चो रेफ्रिजरेटर का वर्क क्या होता है, यहाँ से हीट इमिट करेगा ये Q2, यहाँ से एक तरह से इमिट करके इस चीज को रिजेक्ट करेगा Q2 को, मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर इस सिंक से तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उससे तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और वो एनर्जी किसको रिजेक्ट कर रहा है, बाहर रूम टेम्परेचर को, मतलब बाहर सोर्स को. इसके लिए अब जो हमें यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यहाँ पे वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो. अब अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें ये Q1, अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, रेशो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम, मतलब Q1 हमें क्या फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, ठीक है. अब Q1 अपॉन बच्चों वर्क डन, देखिए सोचिए Q1 अपॉन वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, Q1 अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q1 अपॉन, अच्छा वर्क डन की वैल्यू पुट करें यहाँ से, वर्क डन कितना बनेगा, देखिए ये Q1 यहाँ से इधर एरो को देखिए, दोनों एरो यहाँ पे इन हो रहे हैं, तो Q2 प्लस W इज इक्वल टू क्या है Q1 है, तो यहाँ से अगर मैं W निकालूं तो क्या आएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है.
अब अच्छा आप इसमें देखिए, हम जानते हैं हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ये टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, ये टी वन टी टू किसमें रखे बच्चों, केल्विन में, ये टेम्परेचर किसमें, केल्विन के अंदर हमने यूज किया केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर हमें केल्विन के अंदर यूज करने होते हैं, टी वन टी टू केल्विन के अंदर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 1 जूल, ठीक है, क्या किया बच्चों, पर जूल आपको अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, ठीक है, ईच जूल, ईच जूल मतलब 1, तो ये 1 गिवन है 1 जूल, ठीक है, 1 जूल ये वैल्यू हमें 1 जूल गिवन है। चलो कोई दिक्कत नहीं निकालें, यहाँ पे क्यू वन अपॉन इज इक्वल टू, क्यू वन इज इक्वल टू, अब टी वन इस टेम्परेचर टी वन की वैल्यू पुट कर दो, टी वन यहाँ पे जो है इसको अगर अपन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करें, क्योंकि ये टी वन तो क्या है डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये टी टू डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेंगे बच्चों आप इसके अंदर 273 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा टी वन प्लस, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा टी वन प्लस 273, ठीक है, टी वन प्लस 273। अब चो टी वन माइनस टी टू करोगे तो उसमें टी वन प्लस 273 फिर माइनस टी टू प्लस 273, 273 कट जाएंगे तो टी वन माइनस टी टू आएगा, तो टी वन प्लस 273 अपॉन टी वन माइनस टी टू, तो कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों, थर्ड, तो आ जाएगा इसका आंसर थर्ड, ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अपन ने सॉल्व किया। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये प्रोसेस है, इस पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रखी है आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है, मिस नेगेटिव आएगा, मिस वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ एरिया, ठीक है, मतलब जो अंदर एरिया बना ना, एरिया ये एरिया लेना नेगेटिव ऑफ एरिया, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी है, इस पर से इसको माइनस करो कितना आएगा 200 cc, और जो 200 cc है इस cc को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10^-6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको ये सीसी दे रखा है, मीटर क्यूब में चेंज करना है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया इसकी लेंथ हो गई, इनटू उसकी विड्थ, ये कितनी है, 200 में से 100 माइनस करो कितना आएगा, 100 आएगा 100 किलो पास्कल, तो 100 किलो पास्कल है, तो 100 × 10³ इसको पास्कल में चेंज कर दिया, ये लो, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है इसको, तो उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 की फॉर्म में जाएगा यहाँ पे, मतलब 20 फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव 20 जूल, यह जाएगा माइनस ऑफ 20 जूल, माइनस 20 जूल, ये आंसर आ जाएगा सेकंड इसका, ठीक है, इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। अब जो यहाँ पे इस सिस्टम का कह रहा है कि हम इसको दो ए से सी तक ले आ रहे हैं बाई टू पाथ एडीसी एंड एबीसी, एक इस पास से ले आ रहे हैं इस पास से, तो जो दोनों पाथ में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, दोनों पाथ में हमें क्या चीज सेम है बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, सेम, तो डी यू, क्यों, हम जानते हैं जो डी यू की वैल्यू होती है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे डी यू की वैल्यू जो पाथ ए डी सी है, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, डी यू ए बी सी, ठीक है, दोनों पाथ के थ्रू अपन ने यहाँ पे एनर्जी सेम कर दी। अब चो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अपन जानते हैं फ्लोट इक्वेशन, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, तो डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है, ए डी सी इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ए बी सी। अब यहाँ पे इसमें देखिए, अब डेल क्यू की पुट करें तो चो ए डी सी फर्स्ट पाथ जो आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पे अलोंग द पाथ ए डी सी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज 50 जूल, ठीक है, ए डी सी पाथ के थ्रू कौन सा ए डी सी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब 50 जूल है, मतलब ये 50 जूल दे रखी आपको, ये दे रखी 50 जूल, ठीक है, फिर माइनस, अब देखिए वर्क डन ऑफ 10 कितना मिल रहा है 20 जूल, तो 20 जूल वर्क डन है, 20 रख दिया अपन ने, इज इक्वल टू, फिर अब ए बी सी पाथ कराए, वेयर इज अलोंग द पाथ ए बी सी हीट इज एब्जॉर्ब 36, ये हमें रखा है 36, ठीक है, कितना रखा 36, तो उसको 36 रख दो, 36,
माइनस वर्क डन हमें फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल डब्ल्यू, ये आपको फाइंड करना है डेल डब्ल्यू वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ये कितना आएगा 30, ये तो आ गया 30 और 36 माइनस डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जाएगा 36 माइनस 30 दैट इज 6, तो ये आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा ये 6, तो कौन सा आंसर आ गया 4th। ठीक है, तो एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था ये अपन ने सॉल्व किया। मेडिकल बच्चों इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, टिपिकल नहीं आएंगे, ऐसे नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप फटाफट सॉल्व भी कर सकते हो। चलो अब देखें 73 क्वेश्चन नंबर 73 निकालिए क्या बच्चों, देखिए इन विच केस द इंटर, ऐसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, सबसे ज्यादा थर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा अपन जानते हैं कंडक्टिविटी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की, सॉरी एल्यूमिनियम सिल्वर की होती है, सबसे ज्यादा सिल्वर की, उससे कम थोड़ी कॉपर की, उससे कम एल्यूमिनियम की, तो सबसे कम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा ना तो यही आ जाएगा रिजल्ट, एल्यूमिनियम फिर कॉपर फिर एजी। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों किसकी चालकता दाएं से दाएं और वृद्धि होती है, पर इधर जाने वृद्धि हो रही, सही है फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, द हीट फ्लोइंग थ्रू टू स्लेंडर रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल है, द डायमीटर ऑफ रॉड्स आर रेशियो दिस एंड लेंथ इन दिस रेशियो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड सेम रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है dQ/dT, पढ़ते ही आप थर्मल, ठीक थर्मल कंडक्शन में dQ/dT इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, ये होता है ये आई, ठीक है डेल्टा टी अपॉन आर, ठीक है डेल्टा टी अपॉन आर क्यों होता है यहाँ के, क्योंकि के ए डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये अपन जानते ही हैं के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो बच्चों ये इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा ए अपॉन एल, एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेडियस स्क्वायर अपॉन एल, तो यहाँ से रेडियस स्क्वायर अपॉन एल ये करना है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो रेशो है यहाँ पे रेशो क्या जाएगा, यहाँ पे रेशो इसका निकालेंगे, रेशो इज इक्वल टू, मतलब इसका रेशो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर वन अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू एल टू अपॉन एल वन, ठीक है ये रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देख लो वैल्यू पुट कर दो, आर वन आर टू का रेशो देखा है रॉड्स, जो डायमीटर का रेशो था वही रेडियस का रेशो था 1/2, ये तो 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है एल टू, एल टू एंड एल वन ये पे टू, ये 1/2 जाएगा 1/2, ठीक है क्योंकि एल वन अपॉन एल टू 2/1 है, एल टू अपॉन एल वन 1/2, तो क्या है रिजल्ट 1/8, तो कौन सा आंसर आएगा 4th, 1/8 ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। ओके चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 में कह रहा हूँ टू कॉफी, यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 9 टाइम्स दिए रखिए, स्टील ऑफ स्टील मतलब ये 9 के, इसकी कंडक्टिविटी 9 के है, इसकी कंडक्टिविटी के ऐसा बोला गया आपसे। ठीक है, व्हाट विल बी टेम्परेचर एट जंक्शन ऑफ कॉपर, मान लो इस जगह ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर बच्चों टी है, कितना है टेम्परेचर टी, हमें टी फाइंड करना है, तो बच्चों देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या सेम होगा dQ/dT मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो जितनी हीट यहाँ से फ्लो हो रही है उसी रेट से यहाँ पे हीट यहाँ भी फ्लो हो रही है, इसके अंदर दोनों में रेट ऑफ हीट क्या होगी सेम, मतलब dQ/dT की बात करें अपन किसके लिए, इसके लिए कॉपर के लिए इज इक्वल टू dQ/dT स्टील, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, और ये अपन ने कहा था dQ/dT का फॉर्मूला था के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो के इसका तो 9 के है, एरिया तो ए है ही सही, डेल्टा टी करेंगे तो 100 माइनस टी आएगा, ठीक है 100 माइनस टी 100 माइनस टी अपॉन लेंथ, लेंथ यहाँ पे 18 है, ठीक है के ए डेल्टा टी अपॉन एल ये कर दिया अपन ने, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर के ए डेल्टा टी अपॉन एल ये अपन अप्लाई कर दिया, एल यहाँ पे हमें कितना का 18, अब इसके लिए बराबर है सेकंड स्टील के लिए वही के डेल्टा टी अपॉन एल, के कितना यहाँ पे के है ए, ए है डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आएगा बच्चों इसका टी माइनस जीरो, क्या आएगा टी माइनस जीरो अपॉन एल, एल कितना है 6 है, एल वैल्यू 6 है, अब यहाँ पे निकालना है टेम्परेचर टी, तो सोल्व कर लो उसको, तो यहाँ पे सोल्व करने पे बन जाएगा 75 हो जाएगा टी इज इक्वल टू 75, ठीक है सोल्व कर लो 75 बन जाता है रिजल्ट। ओके चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 क्या है, टू रोड्स ए बी ऑफ इक्वल लेंथ देयर एंड्स के बिटवीन सेम टेम्परेचर क्रॉस सेक्शन ए वन ए टू है, ठीक है तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन रोड विल बी इक्वल टू इफ, तो यहाँ पे देखो कह रहा है देखिए dQ/dT, ठीक है इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल
यहाँ बच्चों इसके अंदर दो क्या क्या रखा है, इक्वल लेंथ दिया गया है, एल इक्वल है, टेम्परेचर डिफरेंस भी इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम देखें के ए इज इक्वल टू रहेगा सेम, दिस इंप्लाइज के ए इज इक्वल टू सेम, तो क्या होगा के वन ए वन इज इक्वल टू के टू ए टू, ये ठीक कर लेंगे अपन सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स आर एंड रेडियस आर, देखिए लेंथ एल गिवन है, ईच मेड सेम मटेरियल, ठीक है, एज हुज एंड्स मेंटेन द सेम टेंपरेचर विल कंडक्ट मोस्ट ऑफ हीट। अब चलो सेम टेंपरेचर विल कंडक्ट मोस्ट ऑफ हीट, मतलब तापांतर समान है, अधिकतम ऊर्जा का चालन किसमें होगा बताना है, डी क्यू अपॉन डी टी ग्रेटर किसमें होगा, तो चलो देखो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू अपन जानते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। तो यहां से हम देखें डी क्यू अपॉन डी टी जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही बेटा ए अपॉन एल, ठीक है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन एल। तो चलो देखो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी एंड लेंथ स्मॉल होगी उसके लिए हीट भी ज्यादा फ्लो होगी, रेडियस ज्यादा होनी चाहिए लेंथ स्मॉल, तो रेडियस ज्यादा लेंथ स्मॉल किसमें इस ऑप्शन में, ठीक है, इसमें रेडियस एंड लेंथ दोनों ज्यादा है, ठीक है, इसमें रेडियस लेंथ दोनों कम है, इसमें रेडियस कम है लेंथ ज्यादा है, इसमें रेडियस ज्यादा है लेंथ कम है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है सेकंड, ठीक है, तो अपन ऐसे टिक कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 78, टेम्परेचर ऑफ एयर एट सरफेस ऑफ लेक इज -20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वाटर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ आइस लेयर इज, तो चलो देखो आइस लेयर से जस्ट बिलो हमें वाटर की बात कर रहा है, तो आइस लेयर के जस्ट बिलो जो वाटर है वो इसके आइस के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, आइस के कॉन्टेक्ट में, इसका मतलब वो जो वाटर आपको दे रखा है वो आइस के साथ मिलता जुलता टेम्परेचर है, तो हम जानते हैं दोनों स्टेट एक साथ किस टेम्परेचर रखती है, मतलब उस जिस जगह टेम्परेचर पूछ रहा है उसके जस्ट ऊपर तो आइस है, जस्ट नीचे वाटर है। अब बच्चों आप जानते हैं दोनों की दोनों एक साथ किस टेम्परेचर पर लाई करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस वाटर का टेम्परेचर जो होगा जो आइस के लेयर के जस्ट नीचे होगा उसका कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हम जानते हैं दोनों सेम स्टेट पे लाई कर सकते, मतलब वाटर की दोनों स्टेट एक साथ लाई कर सकती है, ठीक है, इसलिए आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये दो स्लैब हैं, दोनों क्या बना रही हैं आप बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बना रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं के नेट इज इक्वल टू, सारी डाटा आइडेंटिकल होते हैं, एरिया लेंथ वगैरह सब इक्वल होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के नेट अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, के नेट इज इक्वल टू ये होता है K1 प्लस K2 बाई 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, तो K1 प्लस K2 बाई 2 ये हो जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता बच्चों तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या टिक करते, ये 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, बट यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए आंसर क्या आएगा इसका सेकंड, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता, क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब dT अपॉन dx, dT अपॉन dx के लिए dT अपॉन dL कह सकते हैं, ठीक है, dT अपॉन dx टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस डिफरेंस। तो अच्छा यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना रखा है, वन एंड का टेम्परेचर 125 है, 125 अदर एंड का कितना है 25, ये डिफरेंस निकाल लिया, डिवाइड बाय लेंथ डिफरेंस कितनी, लेंथ ऑफ रॉड यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड 50 सेंटीमीटर रखिए, 50 सेंटीमीटर कितनी बेटा 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर ये तो डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में थे, तो क्या जगह पे 100 अपॉन 50 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, तो कौन सा आंसर आ गया, ये फालतू डाटा दे रखा है और तो एक्स्ट्रा चीज होती नहीं यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की, तो डायरेक्ट अपन निकाल लिया 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आई बस में सोचो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 80 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो चलो यहाँ पे जो कलर होता है वो किसको शो करता है, टेम्परेचर को, जैसे अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं कलर भी चेंज होता रहता है, ठीक है, वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो जो वन अपॉन लेमडा है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/T, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वेरी करता है कलर, यहाँ से हम देखें टेम्परेचर ये आएगा इसका रिजल्ट 81 का, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82, क्वेश्चन नंबर 82, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट 2000 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर, व्हाट विल बी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट 2400 केल्विन। तो चलो अभी आपको बताया मैंने वीन्स लॉ, अपन जानते हैं क्या होता है लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/T, बस इसी का यूज करना है आपको, सोचो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा टी अपॉन टी डैश, ठीक है, तो यहाँ से टी पहले कितना दे रखा है आपको, इनिशियल टेम्परेचर पहले यहाँ पे दे रखा है 200
2000, बाद में कितना कर दिया अपन ने 2400, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे देखिए, इसको आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, पहले 20 तो 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 अपन इसको 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा कितना 6, ये कट जाएगा इस तरह से 5/6, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, लैम्डा डैश निकालना, तो लैम्डा डैश लैम्डा कितना रहेगा 4, तो 4 × 5/6 कर दीजिए, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 3.33 माइक्रोमीटर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट, 82 का फर्स्ट बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 83 क्वेश्चन देखिए, 83 में अगर स्टार ए रेडियस, आर सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, टी स्टार बी रेडियस 4R एंड सरफेस टेम्परेचर T/2 रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू स्टार्स। और जो पावर देखिए, यहाँ जो पावर की होती है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू होता है ए टी पावर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पावर जो होता है ए टी पावर 4 के अकॉर्डिंग होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों पावर जो होती है, वैल्यू क्या होती है, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू अपन लिखते हैं ना सिग्मा आर, ठीक है, सिग्मा ई आर ए टी पावर 4, ये लिखते हैं वैल्यू, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होती है। मीन्स अगर आपको सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया तो उसको हम 0 मान लेते हैं, तो रिजल्ट ए बनता है। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है तो फिर यहाँ पे टी पावर 4, ठीक है, क्या लिखते हैं उसको, फिर हम लिखते हैं और सिग्मा ई आर ए टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये यूज करते हैं कब, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है, तो टी नॉट अगर गिवन है तो यूज करते हैं, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे यहाँ गिवन नहीं है तो इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ मैं, ए टी पावर 4 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें रेशो निकालना है, तो पी ए अपॉन पी बी निकालेंगे, तो यहाँ पे रेडियस ए अपॉन रेडियस है, यहाँ पे ए तो क्या होता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है बेटा इसको, तो इसको चाहे तो आर स्क्वायर रख दें अपन, ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी देखिए पी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी पावर 4 इसका यूज करना है, तो यहाँ पे अपन पी ए अपॉन पी बी फाइंड करेंगे, तो रेडियस ए अपॉन रेडियस बी, तो ए की रेडियस कितनी बच्चों आर, बी की रेडियस कितनी है 4R, तो 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो ए का टेम्परेचर टी है, बी का कितना है T/2, तो ऊपर चल जाएगा 2/1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/ में क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, और ये 2/4 ये भी 16 होती है, तो क्या जाएगा 1, तो कौन सा आंसर है, ठीक है, ओके। अब देखें अगेन सॉरी, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज, अरे तो नॉर्मल सी बात है आपको पता ही होगा, 5.67 × 10⁻¹⁸, ये होती है वैल्यू स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 85, अ ब्लैक बॉडी एरिया स्टीफ, अरे वो तरीका हो गया ये, अरे यहाँ पे इस डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको, तो मतलब पिछला क्वेश्चन तो आपको बोनस मिल गया एक तरह से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्टीफन कांस्टेंट पूछा था और यहाँ दे रखा है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, इसका फायदा उठाया करो, कहीं क्वेश्चन कांस्टेंट पूछो ना तो ढूंढ लिया करो क्वेश्चन, कहीं और दूसरे क्वेश्चन में दे तो ना कहीं ऑप्शन इसकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर 1000 केल्विन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इज 1 सेकंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, मतलब पावर की बात कर रहा है, मतलब Q/T, ठीक है। तो जो रेडिएटेड पावर पूछा है, एनर्जी पर सेकंड को पावर ही बोलते हैं अपन, अभी बताया था मैंने क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा ई आर ए टी पावर 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेंगे सराउंडिंग टेम्परेचर को। तो अब तो यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉडी है, अच्छा सिग्मा तो 5.67 × 10⁻¹⁸ ये रख दिया, ठीक है, ई आर यहाँ 1 होता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए ई आर के लिए होती है 1 होती है, ठीक है, एरिया एरिया पे हमें देखा है 1 cm² मतलब 10⁻⁴ ये रख दिया एरिया, ठीक है, टी पावर 4, तो जो 1000 है 1000 × 4 करेंगे 1000 × 4 मतलब 10⁻¹² हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना बन जाएगा ये 5.67, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10⁻⁸ और 10⁻¹² मिलकर बन जाता है 10⁻⁴ है 10⁻⁸10⁻¹² हो गया, इधर 10⁻+¹² आ रहा है, कट जाएगा ओनली 5.67 जूल पर सेकंड ये जाएगा रिजल्ट, पर सेकंड तो फिर यहाँ बोल ही दिया इसने, जूल पर सेकंड की फॉर्म में आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो कौन सा आंसर है बच्चों यहाँ पे इसके अंदर, फर्स्ट ये आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट, 5.6 जूल पर सेकंड, जो हम वर्ड यूज कर दिया इसलिए अपन ओनली 5.67 जूल के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
86 में कह रहा है द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट्स मैक्सिमम अराउंड वेवलेंथ लैम्डा नॉट. ठीक है, द टेंपरेचर ऑफ ब्लैक बॉडी नाउ चेंज सच दैट एनर्जी इज मैक्सिमम. मतलब बच्चों टेंपरेचर चेंज किया तो लैम्डा एम की वैल्यू ये हो गई है. अब उसमें जानते हैं लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी होता है. ठीक है, तो यहां से हम देखें टी2 अपॉन टी1 मतलब टी डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां पे टी2 अपॉन टी1, क्योंकि यहां पर देखिए जो लैम्डा है बच्चों वो 3/4 टाइम्स हो गया है. तो टी2 कितना हो जाएगा यहां पे टी2 इज इक्वल टू यहां पे हम देखेंगे एम कह रहे हैं टी2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा टी1 होगा. बच्चों वेवलेंथ को हमने 3/4 टाइम्स कर दिया है तो टेम्परेचर 4/3 टाइम्स होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है आप जानते ही हैं. ठीक है, अब बच्चों पावर रेडिएटेड पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है. तो हम जानते हैं पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई टी पावर 4. वैसे तो ए टी पावर 4 थी लेकिन ए यहाँ पे बॉडी फिक्स है तो ए तो फिक्स होगा. ओनली टी पावर 4 के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना जो 4/3 टाइम्स हो गया था तो 4/3 टाइम्स पावर 4 के अकॉर्डिंग आ जाएगा रिजल्ट. मतलब कितना हो जाएगा वहाँ पे 4/3 टाइम्स. ठीक है, दिस इंप्लाइज 4/3 पावर 4 टाइम्स कितना जाएगा मान. तो कौन सा मान जाएगा रिजल्ट ये 256/81. ठीक है, 256/81 ये इसका रिजल्ट आएगा. चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर. टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ठीक है एट टेंपरेचर 200 केल्विन एंड 400 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन एयर. ठीक है एट 27 डिग्री सेल्सियस. अब देखो बच्चों यहां पे सराउंडिंग टेंपरेचर भी गिवन है. सराउंडिंग टेंपरेचर गिवन है रेशियो ऑफ हीट लॉस मतलब यहां पे जो क्यू के बारे में पूछा है रेशियो ऑफ नेट हीट लॉस क्यू. क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 का आपको यूज करना है. ठीक है, इसका यूज करना है जहां पे टी1 टी नॉट क्या होते हैं इन केल्विन. ये टेंपरेचर इन केल्विन है. ठीक है, तो यहां से इसका निकाल लो आंसर तो फिर आ जाएगा रिजल्ट ये. ठीक है, हद पल्ले पड़ी. चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 88. क्वेश्चन नंबर 88 अ बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 टू 70 फिर एट इन टाइम टी1 फिर 70 टू 65 इन टाइम टी2 एंड 65 टू 60 इन टाइम टी3. तो चलो देखो एवरी जो टेंपरेचर इंटरवल है 5 डिग्री सेल्सियस गिवन है. ठीक है, तो चलो अपन जानते हैं जो रेट ऑफ कूलिंग होती है इनिशियल में जब टेंपरेचर हाई होता है वाटर का तो जल्दी जल्दी ठंडा होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं इनिशियली यहाँ पे हम देखें इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग है रेट ऑफ कूलिंग मतलब जो शीतलन की दर है रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है. इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग विल बी फास्ट. ठीक है, फास्ट होगी रेट ऑफ कूलिंग मतलब शीतलन की दर हाई होगी इसलिए यहाँ पे पहले बॉडी जल्दी ठंडी होगी. ठीक है, इसलिए जो टाइम होगा तो मतलब पहले जल्दी ठंडी होगी स्टार्टिंग बॉडी जल्दी ठंडी होगी मतलब स्टार्टिंग का टाइम सबसे स्मॉल होगा फिर थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा फिर टाइम और ज़्यादा लगेगा तो टी1 सबसे कम टाइम होगा उससे ज़्यादा टाइम टी2 होगा उससे कम ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम टी3 होगा. तो कौन सा आंसर आ गया ये थर्ड. ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग होती है इनिशियल में क्या होती है जो फास्ट होती है धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग स्लो होती आती है तो इसलिए शुरू में जल्दी जल्दी ठंडा होता है तो टी1 सबसे स्मॉल टाइम होगा फिर सबसे ज्यादा टाइम टी थ्री लगेगा. ठीक है, चलो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 इन हीट ट्रांसफर विच मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. तो जो ग्रेविटेशन पे कौन सा मेथड बेस्ड है वो है बच्चों नेचुरल कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों देखो जैसे इस तरह से कोई वाट ये कोई कंटेनर है. ठीक है, इस कंटेनर में ये वाटर आपने फिल कर रखा है इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है. ठीक है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं बच्चों इस तरह से हीटिंग कर रहे हैं इसको वाटर की. ठीक है, इसकी अपन हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे क्या होता है बच्चों यहाँ पे तो हीट करने पे जो यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इस जगह हल्के हो जाते हैं इस जगह मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर से इनका वेट लाइट हो जाएगा तो ये लाइट वेट के वैसे ऊपर आएंगे. ठीक है, और ऊपर के जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर के हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आते हैं. ठीक है, हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जगह बन जाएगी तो ये हैवी मॉलिक्यूल्स हैं और ये कौन से लाइट वेटेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लाइट वेटेड मॉलिक्यूल्स और ये क्या हैवी वेट. ठीक है, हैवी मॉलिक्यूल्स हैं ये तो यहाँ पे देखिए हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं लाइट मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी. अगर यहाँ पे बच्चों ग्रेविटी नहीं है मान लो ग्रेविटी अगर जीरो है तो कोई भी मॉलिक्यूल लाइट कोई भी हैवी नहीं होगा सभी. ठीक है, सभी का वेट यहाँ पे इक्वल होगा तो इस तरह बच्चों यहाँ पे इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं शिफ्ट ही नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल कन्वेक्शन है नेचुरल कन्वेक्शन का रीजन क्या है बच्चों यहाँ पे केवल ग्रेविटेशन की वजह से. ठीक है, ये चीज अपन देखी.
और उसके बाद देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है। स्फीयर क्यू एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास इनिशियल हीटेड टेम्परेचर ऑफ 20 लेफ्ट इन एयर टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग कूल फास्ट। अब चलो देखो यहाँ पे जो कौन सी सबसे ज्यादा फास्ट कूल होगी, जल्दी ठंडी होगी, तो अपन जानते हैं क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, ठीक है। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हीट इमिट होगी, ठीक है, इमिटेड हीट, ठीक है, इमिटेड हीट, तो यहाँ पे ये है प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका ज्यादा एरिया होगा उससे जल्दी जल्दी हीट इमिट होगी, जल्दी जल्दी हीट इमिट होगी तो उसके लिए हम समझ सकते हैं टेम्परेचर भी फास्ट डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट के लिए सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सभी का मास सेम है, मास सेम है तो बच्चों सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, सर्कुलर प्लेट का, इसलिए यहाँ से हीट रैपिडली इमिट होगी, रैपिडली हीट यहाँ से निकलेगी तो टेम्परेचर रैपिडली इसका फॉल होगा, रैपिडली टेम्परेचर फॉल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर, रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू लार्ज, ठीक है। इसलिए आंसर क्या यहाँ पे सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट का एरिया लार्ज होता है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर रैपिडली फॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या टिक करेंगे, सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने ये लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पूरे हीट वाले पोर्शन के, तो हीट वाला पोर्शन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, अपने नीट पर्पज से, और क्वेश्चन भी हमने देखा इस पर कोई टिपिकल नहीं आते, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो खैर इतना बहुत है आज के लिए, फिर मिलते हैं, ओके, गुड बाय।